हेलो दोस्तों अगर आप भी साल 2012 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी डेंजरस इश्क को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई मींस मूवी का जेनर क्या था मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड इस मूवी के शाकाश में कौन कौन से एक्टर शामिल थे उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही मीन्स अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोगों ने इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसलाइक किया उसके पीछे डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर एंड राइटर कौन कौन से थे, थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की आपको कम्प्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया मतलब कितने पैसे लगाए गए हैं कितने पैसे कमाए गए जिससे आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा एंड आपको क्लियर हो जाएगा कि मूवी फेमस हुई यहाँ पे फ्लॉप हुई मतलब आपको देखनी चाहिए या नहीं तो उसी के साथ साथ एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको कहाँ पर यह मूवी अवेलेबल मिलेगी जहां पर आप इजीली अभी इस मूवी को एंजॉय कर पाओगे तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि तो उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंची रहे तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जर्नर के बारे में कि इस मूवी का जर्नल क्या है मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कोई दिखाई देगा तो इस मूवी का जर्नर है जी हॉर एंड मिस्ट्री मीनस इस मूवी के अंदर आपको हॉरर एंड मिस्ट्री दिखाई देगी जो की आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगी उसी के साथ साथ हम लोग बात करेंगे इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी मीन इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम टाइम देना होगा तो इस मूवी की तो की ड्यूरेशन राउंड अबाउट एंड मिनट्स है मतलब दो घंटे और दस मिनट में कम्पलीट होने वाली ये एक जबरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टारकास्ट के बारे में किस मूवी की में कौन कौन से एक्टर्स शामिल हैं तो यहाँ पर इस मूवी की में कृष्णा कपूर राजनीश दुग्गल जिम्मी शेरगिल दिव्य दुता आर्या बब्बर सामिर खोचर एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टार कास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक जबरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की तो के साथ साथ हम आपको बताएंगे इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही मीन लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे आईएमडीबी की डी से इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली तो आईएमडीबी की डी से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 4.1 आउट ऑफ 10 जो कि बहुत ही जबरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को आई की जानव से उसी तो के साथ साथ हम लोग बात करेंगे इस मूवी को जस्ट डेल की जानव से क्या रेटिंग्स मिली तो जस्ट डेल के यूजर्स की जानव से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर फोर आउट ऑफ टेन यहाँ पर भी इसकी रेटिंग जो थी वो नॉर्मल ही रही इसी तरह हम लोग बात कर लेते हैं द टाइम ऑफ इंडिया प्लेटफॉर्म की जनब से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली तो द टाइम ऑफ इंडिया प्लेटफॉर्म की से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर टू पॉइंट ऑफ फाइव यहाँ पर भी इसकी रेटिंग जो थी वो नॉर्मल ही रही उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जनब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल के यूजर्स की जनब से इस मूवी को तक लाइक किया गया जस्ट यहाँ पर इसकी रेटिंग जो थी वो कुछ हद तक ठीक थी लेकिन बाकी सभी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की रेटिंग जो थी वो बहुत ही कम कम थी उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं हैं कितनी रेटिंग ली इस मूवी ने तो इसके पीछे डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड कौन कौन से फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है तो पर इस मूवी के डायरेक्टर विक्रम भट्ट जी हैं जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के राइटर के बारे में कि इस मूवी के राइटर कौन से थे तो यहाँ पर इस मूवी के राइटर आपको दिखाई देंगे अमीन हाजी जिन्होंने इस मूवी की आर्ट वर्ड स्टोरी लाइन को राइट किया तो ठीक है साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला तो यहाँ पर रिलायंस इंटरटेनमेंट आपको इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी में दिखाई देगी एंड उसी के साथ साथ ए एस ए प्रोडक्शन एंड इंटरप्राइजेस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी में दिखाई देगी उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के नरेटर के बारे में कि इस मूवी के नरेटर कौन थे तो यहाँ पर कृष्णमा कपूर जी आपको इस मूवी के नरेटर दिखाई देंगी जिन्होंने इस मूवी के नायरेटिंग को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में किस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने अरेंज किया तो यहाँ पर प्रवीण भट्ट जी आपको इस मूवी के सिनेमाटोग्राफर दिखाई देंगे एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर इस मूवी के अंदर सम कुछ यहाँ पर थ्री इफेक्ट्स इफेक्ट योगी अगे जिन्हें यहाँ पर माइकल फ्लैक्स ने अरेंज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात करेंगे म्यूजिक डायरेक्टर के बारे में किस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कौन से थे तो यहाँ पर हिमेश रेशमिया जी आपको इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के म्यूजिक को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं अगेन प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में किस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है तो यहाँ पर डर मोशन पिक्चर्स एंड ए एस ए प्रोडक्शन एंड एंटरप्राइस आपको इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देगी अभी हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनीज शामिल है तो यहाँ पर रिलायंस एंटरटेनमेंट आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगी जिसमें आपको इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी की रिलीज डेट में क्या डेट थी जहां पर इस मूवी को रिलीज किया गया तो इलेवन मई टू इस मूवी की रिलीज डेट थी मतलब ग्यारह मई दो को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में यह मूवी चल रही थी आप लोग वहां पर इस मूवी को एंजॉय कर पा रहे थे उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि इस मूवी के अंदर कौन कौन सी कंट्री शो की गई एंड कौन कौन सी लैंग्वेजेस को यूज किया गया तो ये जस्ट इंडियन कंट्री की मूवी थी एंड लैंग्वेजेस में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को ही यूज़ किया गया उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज नहीं किया गया तो साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस के बारे में इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गेन किया तो बजट जो इस मूवी के लिए मूवी का बजट था एंड बॉक्स कलेक्शन जो इस मूवी ने गेन किया वो था यहाँ पर एटी मिलियन इंडियन रुपीस दो सौ दो मिलियन मतलब इंडियन रुपीज लगाकर जस्ट छियासी मिलियन इंडियन रुपीज कमाने वाली ये एक फिल्म थी जो कि बहुत ही बुरे तरीके के साथ फ्लॉप हुई एंड ये मूवी के बारे में कम्प्लीट डिटेल्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दी हैं आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंची रहे तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ हेलो दोस्तों अगर आप भी साल 2012 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी डेंजरस इश्क को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है चंदेक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई मीन्स मूवी का जेनर क्या था मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड इस मूवी के शाकाश में कौन कौन से एक्टर शामिल थे उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही मीन्स अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोगों ने इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसलाइक किया उसके पीछे डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर एंड राइटर कौन कौन थे, थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की आपको कम्प्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया मतलब कितने पैसे लगाए गए कितने पैसे कमाए गए जिससे आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा एंड आपको क्लियर हो जाएगा कि मूवी फेमस हुई यहाँ पे फ्लॉप हुई मतलब आपको देखनी चाहिए या नहीं तो उसी के साथ साथ एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको कहाँ पर यह मूवी अवेलेबल मिलेगी जहाँ पर आप इजीली अभी इस मूवी को एंजॉय कर पाओगे तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि तो उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बहसानी पहुंची रहे तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जर्नर के बारे में कि इस मूवी का जर्नल क्या है मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा तो इस मूवी का जर्नर है जी हॉर एंड मिस्ट्री मीन्स इस मूवी के अंदर आपको हॉर एंड मिस्ट्री दिखाई देगी जो की आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगी उसी के साथ साथ हम लोग बात करेंगे इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी मीन इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम टाइम देना होगा तो इस मूवी की टू की ड्यूरेशन अबाउट एंड मिनट्स है मतलब दो घंटे और दस मिनट में कम्पलीट होने वाली ये एक जबरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टॉकास्ट के बारे में इस मूवी की में कौन कौन से एक्टर्स शामिल हैं तो यहाँ पर इस मूवी की में कृष्णा कपूर राजनीश दुग्गल जिम्मी शेरगिल दिव्या दुता आर्या बब्बर सामिर खोचर एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टार कास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक जबरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की तो के साथ साथ हम आपको बताएंगे इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे आईएमडीबी की जानब से इस मूवी को क्या क्या रेटिंग मिली तो आईएमडीबी की जनब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर फोर पॉइंट वन आउट ऑफ टेन जो कि बहुत ही जबरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को आई की जानव से उसी के साथ साथ हम लोग बात करेंगे इस मूवी को जस्ट डेल की से क्या कि मिली तो जस्ट डेल के यूजर्स की से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो फोर पॉइंट पर भी इसकी रेटिंग जो थी वो नॉर्मल ही रही इसी तरह हम लोग बात कर लेते हैं द टाइम ऑफ इंडिया प्लेटफॉर्म की से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली तो द टाइम ऑफ इंडिया प्लेटफॉर्म की जनब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर टू पॉइंट ऑफ फाइव यहाँ पर भी इसकी रेटिंग जो थी वो नॉर्मल ही रही उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जनब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल के यूजर की जाने से इस मूवी को सिक्सटी सिक्स परसेंट तक लाइक किया गया जस्ट यहाँ पर इसकी रेटिंग जो थी वो कुछ हद हाँ तक ठीक थी, थी लेकिन बाकी सभी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की रेटिंग जो थी वो बहुत ही कम थी इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कितनी कम रेटिंग ली इस मूवी ने तो इसके पीछे डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड डायरेक्ट्रेस कौन कौन से हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में इस मूवी के डायरेक्टर कौन है तो यहाँ पर इस मूवी के डायरेक्टर विक्रम भट्ट जी हैं जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के राइटर के बारे में कि इस मूवी के राइटर कौन से थे तो यहाँ पर इस मूवी के राइटर आपको दिखाई देंगे अमिन हाजी जिन्होंने इस मूवी आर्ट वर्ल्ड स्टोरी लाइन को राइट किया उसी तो के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला तो यहाँ पर रिलायंस एंटरटेनमेंट आपको इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी में दिखाई देगी एंड उसी के साथ ए एस ए प्रोडक्शन एंड आपको इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी में दिखाई देगी उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के नरेटर के बारे में कि इस मूवी के नरेटर कौन थे तो यहाँ पर कृष्णा कपूर जी आपको इस मूवी के नरेटर दिखाई देंगी जिन्होंने इस मूवी के नरेक्टर को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में किस मूवी की सीनेमाटोग्राफी को किसने अरेंज किया तो यहाँ पर प्रवीण भट्ट जी आपको इस मूवी के सिनेमाटोग्राफर दिखाई देंगे एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर इस मूवी के अंदर सम कुछ यहाँ पर थ्री डी इफेक्ट्स योगी अगे जिन्हें यहाँ पर माइकल फ्लैक्स ने अरेंज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात करेंगे म्यूजिक डायरेक्टर के बारे में किस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कौन से थे तो यहाँ पर, तो पर हिमेश रेशमिया जी आपको इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के म्यूजिक को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं अगेन प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में किस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है तो यहाँ पर डर मोशन पिक्चर्स एंड ए एस ए प्रोडक्शन एंड एंटरप्राइस आपको इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देगी अभी हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनीज शामिल है तो यहाँ पर रिलायंस एंटरटेनमेंट आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगी जिसमें आपको इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में के इस मूवी की रिलीज डेट में क्या डेट थी जहां पर इस मूवी को रिलीज किया गया तो इलेवन मई टू इस मूवी की रिलीज डेट थी मतलब ग्यारह मई दो को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में ये मूवी चल रही थी आप लोग वहां पर इस मूवी को एंजॉय कर पा रहे थे उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि इस मूवी के अंदर कौन कौन सी कंट्री शो की गई है कौन कौन सी लैंग्वेजेस को यूज किया गया तो ये जस्ट इंडियन कंट्री की मूवी थी एंड लैंग्वेजेस में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को ही यूज किया गया उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज नहीं किया गया के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस के बारे में इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया तो बजट जो इस मूवी के लिए लिया गया वो था यहाँ पर टू हंड्रेड एंड सिक्सटी मिलियन इंडियन रुपीज का मतलब दो सौ साठ मिलियन इंडियन रुपीज इस मूवी का बजट था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो इस मूवी ने गेन किया वो था यहाँ पर एटी सिक्स पॉइंट एटी एट मिलियन इंडियन रुपीज जी हाँ दोस्तों दोस्तों साठ मिलियन इंडियन रुपीज लगाकर जस्ट छियासी मिलियन इंडियन रुपीज कमाने वाली ये एक फिल्म थी जो कि बहुत ही बुरे तरीके के साथ फ्लॉप हुई एंड ये मूवी के बारे में कंप्लीटली डिटेल्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दी हैं आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी और आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक न्यूटि पहुंची रहे तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज हेलो दोस्तों अगर आप भी साल 2012 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी डेंजरस इश्क को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है अनेक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई मीन मूवी का जर्नल क्या था मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड इस मूवी के शाकास में कौन कौन से एक्टर शामिल थे उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही मीन्स अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोगों ने इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसाइक किया उसके पीछे डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर एंड राइटर कौन कौन से थे, थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की आपको कम्प्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया मतलब कितने पैसे लगाए गए हैं कितने पैसे कमाए गए जिससे आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा एंड आपको क्लियर हो जाएगा कि मूवी फेमस हुई यहाँ पे फ्लॉप हुई मतलब आपको देखनी चाहिए या नहीं तो उसी के साथ साथ एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको कहाँ पर यह मूवी अवेलेबल मिलेगी जहाँ पर आप इजीली अभी इस मूवी को एंजॉय कर पाओगे तो शुरू करते हैं आज इस वीडियो को लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि तो उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव से आगा रहे उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंची रहे तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के चैनल के बारे में इस मूवी का जर्नर क्या है मींस इस मूवी के अंदर आपको क्या कोई देगा? तो इस मूवी का जर्नर है जी हॉरर एंड मिस्ट्री मींस इस मूवी के अंदर आपको हॉरर एंड मिस्ट्री दिखाई देगी जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगी उसी के साथ साथ हम लोग बात करेंगे इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी मीन्स इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट टू आवर्स एंड टेन मिनट्स की है मतलब दो घंटे और दस मिनट में कंप्लीट होने वाली ये एक जबरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टारकास्ट के बारे में इस मूवी स्टार स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर्स शामिल हैं तो यहाँ पर इस मूवी के स्टाकास्ट में क्रिश्मा कपूर राजनीश दुग्गल जिम्मी शेरगिल दिव्या दत्ता आर्या बब्बर सामिर खोचर एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टार कास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक जबरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की तो के साथ साथ हम आपको बताएंगे इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे आईएमडीबी की जानव से इस मूवी को क्या क्या रेटिंग मिली तो आईएमडीबी की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर फोर आउट ऑफ टेन जो कि बहुत ही जबरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को आई की जानब से उसी के साथ साथ हम लोग बात करेंगे इस मूवी को जस्ट डेल की से क्या रेटिंग्स मिली तो जस्ट डेल के यूजर्स की से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहां पर पर 4.2 आउट ऑफ भी इसकी रेटिंग जो थी वो नॉर्मल ही रही इसी तरह हम लोग बात कर लेते हैं द टाइम ऑफ इंडिया प्लेटफॉर्म की से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली तो द टाइम ऑफ इंडिया प्लेटफॉर्म की से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर टू आउट ऑफ फाइव यहाँ पर भी इसकी रेटिंग जो थी वो नॉर्मल ही रही उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल के यूजर्स की जरूरत से इस मूवी को सिक्सटी सिक्स परसेंट तक लाइक किया गया जस्ट यहाँ पर इसकी रेटिंग जो थी वो कुछ हद हाँ तक ठीक थी, थी लेकिन बाकी सभी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की रेटिंग जो थी वो बहुत ही कम थी इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कितनी कम रेटिंग ली इस मूवी ने तो इसके पीछे डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर्स कौन कौन से हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है तो यहाँ पर इस मूवी के डायरेक्टर विक्रम भट्ट जी हैं जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के राइटर के बारे में कि इस मूवी के राइटर कौन से थे तो यहाँ पर इस मूवी के राइटर आपको दिखाई देंगे अमीन हाजी जिन्होंने इस मूवी की आल टोल्स स्टोरी लाइन को राइट किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला तो यहाँ पर रिलायंस इंटरटेनमेंट आपको इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी में दिखाई देगी एंड उसी के साथ साथ ए एस ए प्रोडक्शन एंड इंटरप्राइजेस आपको इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी में दिखाई देगी उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के नरेटर के बारे में कि इस मूवी के नरेटर कौन थे तो यहाँ पर कृष्णमा कपूर जी आपको इस मूवी के, के नरेटर दिखाई देंगी जिन्होंने इस मूवी के नरेटिंग को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में किस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने अरेंज किया तो यहाँ पर प्रवीण भट्ट जी आपको इस मूवी के सिनेमाटोग्राफर दिखाई देंगे एंड के साथ साथ यहाँ पर इस मूवी के अंदर सम कुछ यहां पर थ्री डी इफेक्ट्स योगे जिन्हें यहाँ पर माइकल फ्लैक्स जी ने अरेंज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात करेंगे म्यूजिक डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कौन से थे तो यहाँ पर हिमेश रेशमिया जी आपको इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के म्यूजिक को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं अगेन प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में किस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है तो यहाँ पर डर मोशन पिक्चर्स एंड ए एस ए प्रोडक्शन एंड एंटरप्राइजेस आपको इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देगी अभी हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के, ते के बारे में इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है तो यहाँ पर रिलायंस एंटरटेनमेंट आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगी जिसमें आपको इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी के रिलीज डेट में क्या डेट थी जहां पर इस मूवी को रिलीज किया गया तो इलेवन मई टू इस मूवी की रिलीज डेट थी मतलब ग्यारह मई दो को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में ये मूवी चल रही थी आप लोग वहां पर इस मूवी को एंजॉय कर पा रहे थे उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि इस मूवी के अंदर कौन कौन सी कंट्री शो की गई हैं और कौन कौन सी लैंग्वेजेस को यूज किया गया तो ये जस्ट इंडियन कंट्री की मूवी थी एंड लैंग्वेजेस में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को ही यूज किया गया उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज नहीं किया गया तो के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस के बारे में इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया तो बजट जो इस मूवी के लिए लिया गया वो था यहाँ पर टू मिलियन एंड इंडियन रुपीज का मतलब दोस्तों साठ मिलियन इंडियन रुपीज इस मूवी का बजट था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो इस मूवी ने गेन किया वो था यहाँ पर एटी मिलियन पॉइंट मिलियन जी रुपीजिया दोस्तों दो सौ साठ मिलियन इंडियन रुपीज लगाकर जस्ट छियासी मिलियन इंडियन रुपीज कमाने वाली ये एक फिल्म थी जो कि बहुत ही बुरे तरीके के साथ फ्लॉप हुई एंड ये मूवी के बारे में कम्पलीट डिटेल्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दी हैं आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंची रहे तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ हेलो दोस्तों अगर आप भी साल 2012 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी डेंजरस इश्क को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हां आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है चंदेक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई मीन्स मूवी का जेनर क्या था मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड इस मूवी के साकाश में कौन कौन से एक्टर शामिल थे उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही मींस अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोगों ने इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसलाइक किया उसके पीछे डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर एंड राइटर कौन कौन से थे, थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की आपको कम्प्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया मतलब कितने पैसे लगाए गए हैं कितने पैसे कमाए गए जिससे आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा एंड आपको क्लियर हो जाएगा कि मूवी फेमस हुई यहाँ पे फ्लॉप हुई मतलब आपको देखनी चाहिए या नहीं तो उसी के साथ साथ एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको कहाँ पर यह मूवी अवेलेबल मिलेगी जहां पर आप इजीली अभी इस मूवी को एंजॉय कर पाओगे तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बहसानी पहुंची रहे तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जर्नर के बारे में कि इस मूवी का जनर क्या है मींस इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा तो इस मूवी का जनर है जी हॉरर एंड मिस्ट्री मींस इस मूवी के अंदर आपको हॉरर एंड मिस्ट्री दिखाई देगी जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगी उसी के साथ साथ हम लोग बात करेंगे इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम टाइम देना होगा तो इस मूवी की तो की ड्यूरेशन राउंड अबाउट एंड मिनट्स है मतलब दो घंटे और दस मिनट में कम्पलीट होने वाली ये एक जबरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टॉक के बारे में किस मूवी के स्टॉक में कौन कौन से एक्टर्स शामिल हैं तो यहाँ पर इस मूवी की में कृष्णा कपूर राजनीश दुग्गल जिम्मी शेरगिल दिव्य दुता आर्या बब्बर सामिर खोचर एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टार कास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक जबरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की उसी तो के साथ साथ हम आपको बताएंगे इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही मींस लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे आईएमडीबी की जानव से इस मूवी को क्या, क्या क्या रेटिंग्स मिली तो आईएमडीबी की जानव से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 4.1 आउट ऑफ 10 जो कि बहुत ही जबरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को आई की जानव से उसी के साथ साथ हम लोग बात करेंगे इस मूवी को जस्ट डेल की जनम से क्या रेटिंग्स मिली तो जस्ट डेल के यूजर्स की जनब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 4.2 पॉइंट टू आउट ऑफ टेन यहाँ पर भी इसकी रेटिंग जो थी वो नॉर्मल ही रही इसी तरह हम लोग बात कर लेते हैं द टाइम ऑफ इंडिया प्लेटफॉर्म की जनब से इस को क्या रेटिंग्स मिली तो द टाइम ऑफ इंडिया प्लेटफॉर्म की जनब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर टू पॉइंट फाइव आउट ऑफ फाइव यहाँ पर भी इसकी रेटिंग जो थी वो नॉर्मल ही रही उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जनब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल के यूजर्स की जनब से इस मूवी को सिक्सटी तक लाइक किया गया जस्ट यहाँ पर इसकी रेटिंग जो थी वो कुछ हद हाँ तक ठीक थी, थी लेकिन बाकी सभी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की रेटिंग जो थी वो बहुत ही कम थी डायरेक्टर तो कौन, के के कौन है तो यहाँ पर इस मूवी के डायरेक्टर विक्रम जी हैं जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के राइटर के बारे में कि इस मूवी के राइटर कौन से थे तो यहाँ पर इस मूवी के राइटर आपको दिखाई देंगे अमीन हाजी जिन्होंने इस मूवी की आल टोल्ड स्टोरी लाइन को राइट किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला तो यहाँ पर रिलायंस इंटरटेनमेंट्स आपको इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी में दिखाई देगी एंड उसी के साथ साथ ए एस ए प्रोडक्शन एंड एंटरप्राइजेस आपको इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी में दिखाई देगी उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के नरेटर के बारे में कि इस मूवी के नरेटर कौन थे तो यहाँ पर कृष्णमा कपूर जी आपको इस मूवी के नरेटर दिखाई देंगी जिन्होंने इस मूवी के नरेटर को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में किस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने अरेन्ज किया तो यहाँ पर प्रवीण भट्ट जी आपको इस मूवी के सिनेमाटोग्राफर दिखाई देंगे एंड इसके साथ साथ यहाँ पर इस मूवी के अंदर सम कुछ यहाँ पर थ्री इफेक्ट्स इफेक्ट योगी अगे जिन्हें यहाँ पर माइकल फ्लैक्स जी ने अरेंज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात करेंगे म्यूजिक डायरेक्टर के बारे में किस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कौन से थे तो यहाँ पर हिमेश रेशमिया जी आपको इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के म्यूजिक को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं अगेन प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में किस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है यहाँ पर डर मोशन पिक्चर्स एंड एएसए प्रोडक्शंस एंड एंटरप्राइजेस आपको इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देगी अभी हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल हैं तो यहाँ पर रिलायंस इंटरटेनमेंट आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगी जिसमें आपको इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी के रिलीज डेट में क्या डेट थी जहाँ पर इस मूवी को रिलीज किया गया तो इलेवन मई टू इस मूवी की रिलीज डेट थी मतलब ग्यारह मई दो को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में ये मूवी चल रही थी आप लोग वहां पर इस मूवी को एन्जॉय कर पा रहे थे उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि इस मूवी के अंदर कौन कौन सी कंट्री शो की गई है कौन कौन सी लैंग्वेजेस को यूज किया गया तो ये जस्ट इंडियन कंट्री की मूवी थी एंड लैंग्वेज में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को ही यूज किया गया उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज नहीं किया गया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस के बारे में कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया तो बजट जो इस मूवी के लिए लिया गया वो था यहाँ पर टू हंड्रेड एंड सिक्सटी मिलियन इंडियन रुपीज का मतलब दो सौ साठ मिलियन इंडियन रुपीज इस मूवी का बजट था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो इस मूवी ने गेन किया वो था यहाँ पर 86.88 मिलियन इंडियन रुपीस दो सौ दो सौ मिलियन इंडियन रुपीस लगाकर जस्ट छियासी मिलियन इंडियन रुपीस कमाने वाली ये एक फिल्म थी जो कि बहुत ही बुरे तरीके के साथ फ्लॉप हुई एंड ये मूवी के बारे में कंपलीटरी डिटेल्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दी हैं आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँची रहे तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ हेलो दोस्तों अगर आप भी साल 2012 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी डेंजरस इश्क को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की यह वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई मीन मूवी का जर्नर क्या था मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड इस मूवी के शाकाश में कौन कौन से एक्टर शामिल थे उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही मीनस अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोगों ने इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसलाइक किया उसके पीछे डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर एंड राइटर कौन कौन से थे, थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की आपको कम्पलीटली डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया मतलब कितने पैसे लगाए गए हैं कितने पैसे कमाए गए जिससे आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा एंड आपको क्लियर हो जाएगा कि मूवी फेमस हुई यहाँ पे फ्लॉप हुई मतलब आपको देखनी चाहिए या नहीं तो उसी के साथ साथ एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको कहाँ पर यह मूवी अवेलेबल मिलेगी जहां पर आप इजीली अभी इस मूवी को एंजॉय कर पाओगे तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि तो उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंची रहे तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जर्नर के बारे में कि इस मूवी का जर्नल क्या है मींस इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा तो इस मूवी का जर्नर है जी हॉरर एंड मिस्ट्री मींस इस मूवी के अंदर आपको हॉरर एंड मिस्ट्री दिखाई देगी जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगी उसी के साथ साथ हम लोग बात करेंगे इस मूवी की टाइम के बारे में की टू की है। मतलब दो घंटे और दस मिनट में कम्पलीट होने वाली ये जबरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टॉक के बारे में किस मूवी के स्टाकास्ट में कौन कौन से एक्टर्स शामिल हैं तो यहाँ पर इस मूवी में कृष्णा कपूर राजनीश दुग्गल जिम्मी शेरगिल दिव्या दुता आर्या बब्बर सामिर खोचर एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टार कास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक जबरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की तो के साथ साथ हम आपको बताएंगे इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही मींस लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे आई की जानव से इस मूवी को क्या, क्या क्या रेटिंग्स मिली तो आई की जानव से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 4.1 पॉइंट आउट ऑफ 10 जो कि बहुत ही जबरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को आई की जानव से उसी के साथ साथ हम लोग बात करेंगे इस मूवी को जस्ट डेल की से क्या रेटिंग्स मिली तो जस्ट डेल के यूजर्स की जनब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 4.2 आउट ऑफ पर भी इसकी रेटिंग जो थी नॉर्मल ही रही इसी तरह हम लोग बात कर लेते हैं द टाइम ऑफ इंडिया प्लेटफॉर्म की जनब से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली तो द टाइम ऑफ इंडिया प्लेटफॉर्म की जनब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर टू आउट ऑफ फाइव यहाँ पर भी इसकी रेटिंग जो थी नॉर्मल ही रही उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जनब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल के यूजर्स की जरूरत से इस मूवी को 66 परसेंट तक लाइक किया गया जस्ट यहाँ पर इसकी रेटिंग जो थी, वो कुछ हद हाँ तक ठीक थी, थी लेकिन बाकी सभी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की रेटिंग जो थी, वो बहुत ही कम थी इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कितनी कम रेटिंग ली इस मूवी ने तो इसके पीछे डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर कौन कौन से है फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में के इस मूवी के डायरेक्टर कौन है तो यहाँ पर इस मूवी के डायरेक्टर विक्रम भट्ट जी हैं जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के राइटर के बारे में कि इस मूवी के राइटर कौन से थे तो यहाँ पर इस मूवी के राइटर आपको दिखाई देंगे अमीन हाजी जिन्होंने इस मूवी की के स्टोरी लाइन को राइट किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला तो यहाँ पर रिलायंस इंटरटेनमेंट आपको इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी में दिखाई देगी एंड उसी के साथ साथ ए एस ए प्रोडक्शन एंड एंटरप्राइजेस आपको इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी में दिखाई देगी उसी earth... के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के नरेटर के बारे में कि इस मूवी के नरेटर कौन थे तो यहाँ पर कृष्णा कपूर जी आपको इस मूवी के नरेटर दिखाई देंगी जिन्होंने इस मूवी के नरेटिंग को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में किस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने अरेंज किया तो यहाँ पर प्रवीण भट्ट जी आपको इस मूवी के सिनेमाटोग्राफी दिखाई देंगे साथ साथ यहाँ पर इस मूवी के अंदर सम कुछ यहाँ पर थ्री डी इफेक्ट योगे जिन्हें यहाँ पर माइकल फ्लैक्स जी ने अरेंज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात करेंगे म्यूजिक डायरेक्टर के बारे में किस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कौन से थे तो यहाँ पर हिमेश रेशमिया जी आपको इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के म्यूजिक को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं अगेन प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में किस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है तो यहाँ पर डर मोशन पिक्चर्स एंड एएसए प्रोडक्शंस एंड एंटरप्राइजेस आपको इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देगी अभी हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनीज शामिल हैं तो यहाँ पर रिलायंस इंटरटेनमेंट आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगी जिसमें आपको इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में कि तो इस मूवी के रिलीज डेट में क्या डेट थी जहाँ पर इस, तो इस मूवी को रिलीज किया गया तो इलेवन मई टू इस मूवी की रिलीज डेट थी मतलब ग्यारह मई दो को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में ये मूवी चल रही थी आप लोग वहां पर इस मूवी को इन्जॉय कर पा रहे थे उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि इस मूवी के अंदर कौन कौन सी कंट्री शो की गई एंड कौन कौन सी लैंग्वेजेस को यूज किया गया तो ये जस्ट इंडियन कंट्री की मूवी थी एंड लैंग्वेजेस में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को ही यूज किया गया उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज नहीं किया गया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस के बारे में कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया तो बजट जो इस मूवी के लिए लिया गया वो था यहाँ पर टू मिलियन इंडियन रुपीज का मतलब दो सौ मिलियन इंडियन रुपीज इस मूवी का बजट था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो इस मूवी ने गेन किया वो था यहाँ पर 86.88 मिलियन इंडियन जी रुपीजी दोस्तों दो सौ मिलियन इंडियन रुपीज लगाकर जस्ट छियासी मिलियन इंडियन रुपीज कमाने वाली ये एक फिल्म थी जो कि बहुत ही बुरे तरीके के साथ फ्लॉप हुई एंड uh, ये मूवी के बारे में कम्प्लीट डिटेल्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दी हैं आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी और आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव से आगा रहे उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंची रहे तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज हेलो दोस्तों अगर आप भी साल 2012 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी डेंजरस इश्क को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है चनिक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई मींस मूवी का जेनर क्या था मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड इस मूवी के साकाश में कौन कौन से एक्टर शामिल थे उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही मींस अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोगों ने इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसाइक किया उसके पीछे डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर एंड राइटर कौन कौन थे, थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की आपको कम्पलीटली डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया मतलब कितने पैसे लगाए गए हैं कितने पैसे कमाए गए जिससे आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा एंड आपको क्लियर हो जाएगा कि मूवी फेमस हुई यहाँ पे फ्लॉप हुई मतलब आपको देखनी चाहिए या नहीं तो उसी के साथ साथ एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको कहाँ पर यह मूवी अवेलेबल मिलेगी जहाँ पर आप इजीली अभी इस मूवी को एंजॉय कर पाओगे तो शुरू करते हैं आज किस वीडियो को लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि तो उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव से आगा रहे उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बह आसानी पहुंची रहे तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जर्नर के बारे में कि इस मूवी का जर्नल क्या है मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा तो इस मूवी का जर्नर है जी हॉरर एंड मिस्ट्री मीन्स इस मूवी के अंदर आपको हॉरर एंड मिस्ट्री दिखाई देगी जो की आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगी उसी के साथ साथ हम लोग बात करेंगे इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में किस की हावर्स टेन की है। मतलब दो घंटे और दस मिनट में कम्पलीट होने वाली ये जबरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टॉकास्ट के बारे में किस मूवी की स्टॉक कास्ट में कौन कौन से एक्टर्स शामिल हैं तो यहाँ पर इस मूवी के स्टॉकास्ट में कृष्णा कपूर राजनीश दुग्गल जिम्मी शेरगिल दिव्या दुता आर्या बब्बर सामिर खोचर एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टार कास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक जबरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की तो के साथ साथ हम आपको बताएंगे इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे आई एम डी बी की जानव से इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली तो आई एम डी बी की जानव से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर फोर पॉइंट वन आउट ऑफ टेन जो कि बहुत ही जबरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को आई एम डी बी की जानव से उसी के साथ साथ हम लोग बात करेंगे इस मूवी को जस्ट डेल की जनब से क्या रेटिंग्स मिली तो जस्ट डेल के यूजर्स की जानव से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 4.2 पॉइंट टू आउट ऑफ टेन यहाँ पर भी इसकी रेटिंग जो थी नॉर्मल ही रही इसी तरह हम लोग बात कर लेते हैं द टाइम ऑफ इंडिया प्लेटफॉर्म की जानव से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली तो द टाइम ऑफ इंडिया प्लेटफॉर्म की जान से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर टू आउट ऑफ फाइव यहाँ पर भी इसकी रेटिंग जो थी नॉर्मल ही रही उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल के यूजर्स की जरूरत से इस मूवी को 66 परसेंट तक लाइक किया गया जस्ट यहां पर इसकी रेटिंग जो थी वो कुछ हद हाँ तक ठीक थी, थी लेकिन बाकी सभी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की रेटिंग जो थी वो बहुत ही कम थी इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कितनी कम रेटिंग ली इस मूवी ने तो इसके पीछे डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर कौन कौन से हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है तो यहाँ पर इस मूवी के डायरेक्टर विक्रम भट्ट जी हैं जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के राइटर के बारे में कि इस मूवी के राइटर कौन से थे तो यहाँ पर इस मूवी के राइटर आपको दिखाई देंगे अमीन हाजी जिन्होंने इस मूवी की ऑल आल्टी लाइन को राइट किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला तो यहाँ पर रिलायंस इंटरटेनमेंट आपको इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देगी एंड उसी के साथ साथ ए एस ए प्रोडक्शन एंड एंटरप्राइजेस आपको इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी में दिखाई देगी उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के नरेटर के बारे में कि इस मूवी के नरेटर कौन थे तो यहाँ पर कृष्णा कपूर जी आपको इस मूवी के नरेटर दिखाई देंगी जिन्होंने इस मूवी के नरेटर को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में किस मूवी की सीनेमाटोग्राफी को किसने अरेन्ज किया तो यहाँ पर प्रवीण भट्ट जी आपको इस मूवी के सिनेमाटोग्राफी दिखाई देंगे साथ साथ यहाँ पर इस मूवी के अंदर सम कुछ यहाँ पर थ्री डी इफेक्ट योगे जिन्हें यहाँ पर माइकल फ्लेक्स जी ने अरेंज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात करेंगे म्यूजिक डायरेक्टर के बारे में किस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कौन से थे तो यहाँ पर हिमेश रेशमिया जी आपको इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के म्यूजिक को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं अगेन प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में किस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है तो यहाँ पर डर मोशन पिक्चर्स एंड एएसए प्रोडक्शंस एंड एंटरप्राइस आपको इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देगी अभी हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनीज शामिल हैं तो यहाँ पर रिलायंस इंटरटेनमेंट आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगी जिसमें आपको उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी के रिलीज डेट में क्या डेट थी जहाँ पर इस मूवी को रिलीज किया गया तो इलेवन मई टू इस मूवी की रिलीज डेट थी मतलब ग्यारह मई दो को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में ये मूवी चल रही थी आप लोग वहां पर इस मूवी को एन्जॉय कर पा रहे थे उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में इस मूवी के अंदर कौन कौन सी कंट्री शो की गई है कौन कौन सी लैंग्वेजेस को यूज किया गया तो ये जस्ट इंडियन कंट्री की मूवी थी एंड लैंग्वेजेस में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को ही यूज़ किया गया उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज नहीं किया गया उसी तो के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस के बारे में इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया तो बजट जो इस मूवी के लिए लिया गया वो था यहाँ पर टू मिलियन इंडियन रुपीज का मतलब दो सौ मिलियन इंडियन रुपीज ये इस मूवी का बजट था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो इस मूवी ने गेन किया वो था यहाँ पर एटी सिक्स मिलियन इंडियन रुपीजिया मिलियन इंडियन रुपीज कमाने वाली ये एक फिल्म थी जो कि बहुत ही बुरे तरीके के साथ फ्लॉप हुई एंड ये मूवी के बारे में कंप्लीटली डिटेल्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दी हैं आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी और आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंची रहे तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ हेलो दोस्तों अगर आप भी साल 2012 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी डेंजरस इश्क को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हां आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है कैनिक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई मीन्स मूवी का जेनर क्या था मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड इस मूवी के शाकाश में कौन कौन से एक्टर शामिल थे उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही मींस अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोगों ने इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसाइक किया उसके पीछे डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर एंड राइटर कौन कौन थे, थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की आपको कम्प्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया मतलब कितने पैसे लगाए गए हैं कितने पैसे कमाए गए जिससे आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा एंड आपको क्लियर हो जाएगा कि मूवी फेमस हुई यहाँ पे फ्लॉप हुई मतलब आपको देखनी चाहिए या नहीं तो उसी के साथ साथ एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको कहाँ पर यह मूवी अवेलेबल मिलेगी जहां पर आप इजीली अभी इस मूवी को एंजॉय कर पाओगे तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव से आगा रहे इसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंची रहे तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जैनल के बारे में इस मूवी का जर्नर क्या है मींस इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा तो इस मूवी का जर्नर है जी हॉरर एंड मिस्ट्री मींस इस मूवी के अंदर आपको हॉरर एंड मिस्ट्री दिखाई देगी जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगी उसी के साथ साथ हम लोग बात करेंगे इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी मींस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट टू आवर्स एंड टेन मिनट्स की है मतलब दो घंटे और दस मिनट में कंप्लीट होने वाली ये एक जबरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की कास्ट के बारे में किस मूवी की कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं तो यहाँ पर इस मूवी के स्टारकास्ट में कृष्णा कपूर रजनीश दुग्गल जिम्मी शेरगिल दिव्या दत्ता आर्या बब्बर सामिर खोचर एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टार कास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक जबरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की तो के साथ साथ हम आपको बताएंगे इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे आई की जानव से इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली तो आई की जनब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 4.1 आउट ऑफ 10 जो कि बहुत ही जबरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को आई की जानव से उसी के साथ साथ हम लोग बात करेंगे इस मूवी को जस्ट डेल की जनब से क्या रेटिंग्स मिली तो जस्ट डेल के यूजर्स की जनब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 4.2 पॉइंट टू आउट ऑफ टेन यहाँ पर भी इसकी रेटिंग जो थी वो नॉर्मल ही रही इसी तरह हम लोग बात कर लेते हैं द टाइम ऑफ इंडिया प्लेटफॉर्म की से इस मूवी को रेटिंग्स मिली तो द टाइम ऑफ इंडिया प्लेटफॉर्म की जन से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर टू पॉइंट ऑफ फाइव यहाँ पर भी इसकी रेटिंग जो थी वो नॉर्मल ही रही उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जनब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल के यूजर्स की जनब से इस मूवी को सिक्सटी तक लाइक किया गया जस्ट यहाँ पर इसकी रेटिंग जो थी वो कुछ हद तक ठीक थी, थी लेकिन बाकी सभी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की रेटिंग जो थी वो बहुत ही

उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला तो यहाँ पर रिलायंस इंटरटेनमेंट आपको इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी में दिखाई देगी एंड उसी के साथ साथ ए एस ए प्रोडक्शन एंड एंटरप्राइजेस आपको इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी में दिखाई देगी उसी के साथ साथ हम लोग लो बात कर लेते हैं इस मूवी के नरेटर के बारे में कि इस मूवी के नरेटर कौन थे तो यहाँ पर कृष्णा कपूर जी आपको इस मूवी के नरेटर दिखाई देगी जिन्होंने इस मूवी के नरेटर तो को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग लो बात, लो बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में किस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने अरेज किया तो यहाँ पर प्रवीण भट्ट जी आपको इस मूवी के सिनेमाटोग्राफर दिखाई देंगे एंड इसके साथ साथ यहाँ पर इस मूवी के अंदर कुछ यहाँ पर थ्री डी इफेक्ट योगे जिन्हें यहाँ पर माइकल फ्लैक्स जी ने अरेंज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात करेंगे म्यूजिक डायरेक्टर के बारे में किस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कौन से थे तो यहाँ पर हिमेश रेशमिया जी आपको इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के म्यूजिक को संभाला mm -hmm. उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं अगेन प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में किस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है तो यहाँ पर डर मोशन पिक्चर्स एंड एएसए प्रोडक्शंस एंड एंटरप्राइजेस आपको इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देगी अभी हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनीज शामिल हैं तो यहाँ पर रिलायंस एंटरटेनमेंट आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगी जिसमें आपको उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी के रिलीज डेट में क्या डेट थी जहां पर इस मूवी को रिलीज किया गया तो इलेवन मई टू इस मूवी की रिलीज डेट थी मतलब ग्यारह मई दो को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में ये मूवी चल रही थी आप लोग वहां पर इस मूवी को एन्जॉय कर पा रहे थे उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि इस मूवी के अंदर कौन कौन सी कंट्री शो की गई एंड कौन कौन सी लैंग्वेज को यूज किया गया तो ये जस्ट इंडियन कंट्री की मूवी थी एंड लैंग्वेजेज में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को ही यूज किया गया उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज नहीं किया गया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस के बारे में कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया तो बजट जो इस मूवी के लिए लिया गया वो था यहाँ पर टू हंड्रेड एंड सिक्सटी मिलियन इंडियन रुपीज का मतलब दो सौ साठ मिलियन इंडियन रुपीज इस मूवी का बजट था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो इस मूवी ने गेन किया वो था यहाँ पर 86.88 मिलियन इंडियन रुपीस जी मिलियन इंडियन दोस्तों दोस्तों साठ दो मिलियन इंडियन रुपीस लगाकर जस्ट छियासी मिलियन इंडियन रुपीस कमाने वाली ये एक फिल्म थी जो कि बहुत ही बुरे तरीके के साथ फ्लॉप हुई एंड ये मूवी के बारे में कम्प्लीट डिटेल्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दी हैं आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी और आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंची रहे तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ हेलो दोस्तों अगर आप भी साल 2012 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी डेंजरस इश्क को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है चंद फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है जस्ट लाइक like ये किस तरह की मूवी बनाई गई मींस मूवी का जेनर क्या था मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड इस मूवी के साकाश में कौन कौन से एक्टर शामिल थे उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही मीन्स अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोगों ने इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसाइक किया उसके पीछे डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर एंड राइटर कौन कौन से थे, थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की आपको कम्पलीटली डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया मतलब कितने पैसे लगाए गए हैं कितने पैसे कमाए गए जिससे आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा एंड आपको क्लियर हो जाएगा कि मूवी फेमस हुई यहाँ पे फ्लॉप हुई मतलब आपको देखनी चाहिए या नहीं तो उसी के साथ साथ एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको कहाँ पर यह मूवी अवेलेबल मिलेगी जहां पर आप इजीली अभी इस मूवी को एंजॉय कर पाओगे तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि तो उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे इसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंच रहे तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जर्नर के बारे में कि इस मूवी का जर्नर क्या है मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा तो इस मूवी का जर्नर है जी हॉरर एंड मिस्ट्री मीन्स इस मूवी के अंदर आपको हॉरर एंड मिस्ट्री दिखाई देगी जो की आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगी उसी के साथ साथ हम लोग बात करेंगे इस मूवी की टाइम के बारे में, की क्या थी? में हावर्स टेन की है। मतलब दो घंटे और दस मिनट में कम्प्लीट होने वाली ये जबरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टॉकास्ट के बारे में किस मूवी के स्टॉक में कौन कौन से एक्टर्स शामिल हैं तो यहाँ पर इस मूवी के स्टॉकास्ट में कृष्णा कपूर राजनीश दुग्गल जिम्मी शेरगिल दिव्य दुप्ता आर्या बब्बर सामिर खोचर एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टार कास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक जबरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की उसी तो के साथ साथ हम आपको बताएंगे इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही मीन लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे आई से इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली तो बी की जानव से इस मूवी so, को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 4.1 पॉइंट वन आउट ऑफ टेन जो कि बहुत ही जबरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को आई की जानव से उसी के साथ साथ हम लोग बात करेंगे इस मूवी को जस्ट डेहल की जानब से क्या रेटिंग मिली तो जस्ट डेहल के यूजर्स की जानव से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर फोर आउट ऑफ टेन यहाँ पर भी इसकी रेटिंग जो थी वो नॉर्मल ही रही इसी तरह हम लोग बात कर लेते हैं द टाइम ऑफ इंडिया प्लेटफॉर्म की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली तो द टाइम ऑफ इंडिया प्लेटफॉर्म की जनब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर टू पॉइंट फाइव आउट ऑफ फाइव यहाँ पर भी इसकी रेटिंग जो थी वो नॉर्मल ही रही उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानव से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल के यूजर्स की जानव से इस मूवी सिक्स परसेंट तक लाइक किया गया जस्ट यहाँ पर इसकी रेटिंग जो थी वो कुछ हद तक ठीक थी लेकिन बाकी सभी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की रेटिंग जो थी वो बहुत ही कम इस तो तो मूवी के डायरेक्टर कौन है तो यहाँ पर इस मूवी के डायरेक्टर विक्रम जी हैं जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के राइटर के बारे में कि इस मूवी के राइटर कौन से थे तो यहाँ पर इस मूवी के राइटर आपको दिखाई देंगे अमीन हाजी जिन्होंने इस मूवी के आल्टी लाइन को राइट किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला तो यहाँ पर रिलायंस इंटरटेनमेंट्स आपको इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी में दिखाई देगी एंड उसी के साथ साथ ए एस ए प्रोडक्शन एंड एंटरप्राइजेस आपको इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी में दिखाई देगी उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के नरेटर के बारे में कि इस मूवी के नरेटर कौन थे तो यहाँ पर कृष्णा कपूर जी आपको इस मूवी के नरेटर दिखाई देंगी जिन्होंने इस मूवी के नरेटर को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में किस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने रेंज किया तो यहाँ पर प्रवीण भट्ट जी आपको इस मूवी के सिनेमाटोग्राफर दिखाई देंगे साथ साथ यहाँ पर इस मूवी के अंदर सम कुछ यहाँ पर थ्री डी इफेक्ट्स योगे जिन्हें यहाँ पर माइकल फ्लेक्स जी ने अरेंज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात करेंगे म्यूजिक डायरेक्टर के बारे में किस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कौन से थे तो यहाँ पर हिमेश रेशमिया जी आपको इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के ऊपर म्यूजिक को संभाला mm -hmm. उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं अगेन प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में किस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है तो यहाँ पर डर मोशन पिक्चर्स एंड एएसए प्रोडक्शंस एंड एंटरप्राइजेस आपको इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देगी अभी हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनीज शामिल हैं तो यहाँ पर रिलायंस इंटरटेनमेंट आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगी जिसमें आपको इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में इस मूवी के रिलीज डेट में क्या डेट थी जहाँ पर इस मूवी को रिलीज किया गया तो इलेवन मई टू इस मूवी की रिलीज डेट थी मतलब ग्यारह मई दो को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में ये मूवी चल रही थी आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एन्जॉय कर पा रहे थे उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि इस मूवी के अंदर कौन कौन सी कंट्री शो की गई है कौन कौन सी सैंग्वेजेस को यूज किया गया तो ये जस्ट इंडियन कंट्री की मूवी थी एंड लैंग्वेज में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को ही यूज किया गया उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज नहीं किया गया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस के बारे में इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया तो बजट जो इस मूवी के लिए लिया गया वो था यहाँ पर 260 मिलियन इंडियन रुपीज का मतलब दो सौ मिलियन इंडियन रुपीज इस मूवी का बजट था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो मूवी ने गेन किया वो था यहाँ पर 86.88 मिलियन इंडियन रुपीस जी रुपीजी दोस्तों दो सौ मिलियन इंडियन रुपीस लगाकर जस्ट छियासी मिलियन इंडियन रुपीस कमाने वाली ये एक फिल्म थी जो कि बहुत ही बुरे तरीके के साथ फ्लॉप हुई एंड ये मूवी के बारे में कम्प्लीट डिटेल्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दी हैं आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी और आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंची रहे तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ हेलो दोस्तों अगर आप भी साल 2012 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी डेंजरस इश्क को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है कैंडिक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई मींस मूवी का जर्नर क्या था मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड इस मूवी के शाकाश में कौन कौन से एक्टर शामिल थे उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही मींस अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोगों ने इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसलाइक किया उसके पीछे डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर एंड राइटर कौन कौन से थे, थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की आपको कम्प्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया मतलब कितने पैसे लगाए गए हैं कितने पैसे कमाए गए जिससे आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा एंड आपको क्लियर हो जाएगा कि मूवी फेमस हुई यहाँ पे फ्लॉप हुई मतलब आपको देखनी चाहिए या नहीं तो उसी के साथ साथ एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको कहाँ पर यह मूवी अवेलेबल मिलेगी जहां पर आप इजीली अभी इस मूवी को एंजॉय कर पाओगे तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि तो उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बाहर आसानी पहुंची रहे तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जैनल के बारे में के इस मूवी का जनर क्या है मींस इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा तो इस मूवी का जनर है जी हॉरर एंड मिस्ट्री मींस इस मूवी के अंदर आपको हॉरर एंड मिस्ट्री दिखाई देगी जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगी उसी के साथ साथ हम लोग बात करेंगे इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी मीन्स इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट टू आवर्स एंड टेन मिनट्स की है मतलब दो घंटे और दस मिनट में कम्पलीट होने वाली ये एक जबरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी स्टार स्टारकास्ट के बारे में इस मूवी स्टार स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर्स शामिल हैं तो यहाँ पर इस मूवी के स्टारकास्ट में कृष्णा कपूर राजनीश दुग्गल जिम्मी शेरगिल दिव्या आर्या बब्बर सामिर खोचर एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टार कास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक जबरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की उसी तो के साथ साथ हम आपको बताएंगे इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे आई की जानव से इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली तो आई की जनब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर फोर आउट ऑफ टेन जो कि बहुत ही जबरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को आई की जानव से उसी के साथ साथ हम लोग बात करेंगे इस मूवी को जस्ट डेल की जनब से क्या रेटिंग्स मिली तो जस्ट डेल के यूजर्स की जनब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 4.2 पॉइंट टू आउट ऑफ टेन यहाँ पर भी इसकी रेटिंग जो थी वो नॉर्मल ही रही इसी तरह हम लोग बात कर लेते हैं द टाइम ऑफ इंडिया प्लेटफॉर्म की जनब से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली तो द टाइम ऑफ इंडिया प्लेटफॉर्म की जानक से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर टू पॉइंट फाइव आउट ऑफ फाइव यहाँ पर भी इसकी रेटिंग जो थी वो नॉर्मल ही रही उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जान से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल के यूजर्स की जानक से इस मूवी को सिक्सटी तक लाइक किया गया जस्ट यहाँ पर इसकी रेटिंग जो थी वो कुछ हद तक ठीक थी लेकिन बाकी सभी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की रेटिंग जो थी वो बहुत ही कम थी इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कम रेटिंग ली इस मूवी ने तो इसके पीछे डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड कौन कौन से हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है तो यहाँ पर इस मूवी के डायरेक्टर विक्रम भट्ट जी हैं जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के राइटर के बारे में कि इस मूवी के राइटर कौन से थे तो यहाँ पर इस मूवी के राइटर आपको दिखाई देंगे अमीन हाजी जिन्होंने इस मूवी की आल टोल्ड स्टोरी लाइन को राइट किया तो के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला तो यहाँ पर रिलायंस इंटरटेनमेंट आपको इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी में दिखाई देगी एंड उसी के साथ साथ ए एस ए प्रोडक्शन एंड इंटरप्राइजेस को इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी में दिखाई देगी उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के नरेटर के बारे में कि इस मूवी के नरेक्टर कौन थे तो यहाँ पर कृष्णमा कपूर जी आपको इस मूवी के नायरेटर दिखाई देगी जिन्होंने इस मूवी के नरेटर को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में किस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने अरेन्ज किया तो यहाँ पर प्रवीण भट्ट जी आपको इस मूवी के सिनेमाटोग्राफर दिखाई देंगे एंड के साथ साथ यहाँ पर इस मूवी के अंदर तरह सम कुछ यहाँ पर थ्री डी इफेक्ट्स योगी अगे जिन्हें यहाँ पर माइकल फ्लैक्स जी ने अरेंज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात करेंगे म्यूजिक डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कौन से थे तो यहाँ पर हिमेश रेशमिया जी आपको इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के म्यूजिक को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं अगेन प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में किस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है तो यहाँ पर डर मोशन पिक्चर्स एंड ए एस ए प्रोडक्शन एंड एंटरप्राइस आपको इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देगी अभी हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है तो यहाँ पर रिलायंस एंटरटेनमेंट आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगी जिसमें आपको इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में इस मूवी की रिलीज डेट में क्या डेट थी जहां पर इस मूवी को रिलीज किया गया तो इलेवन मई टू इस मूवी की रिलीज डेट थी मतलब ग्यारह मई दो को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में ये मूवी चल रही थी आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इन्जॉय कर पा रहे थे उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि इस मूवी के अंदर कौन कौन सी कंट्री शो की गई है कौन कौन सी लैंग्वेजेस को यूज किया गया तो ये जस्ट इंडियन कंट्री की मूवी थी एंड लैंग्वेजेस में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को ही यूज किया गया उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज नहीं किया गया तो के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस के बारे में कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया तो बजट जो इस मूवी के लिए लिया गया यहाँ पर टू हंड्रेड एंड सिक्स इंडियन रुपीज का मतलब दो सौ मिलियन इंडियन रुपीज इस मूवी का बजट था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो इस मूवी ने गेन किया वो था यहाँ पर एटी सिक्स पॉइंट एटी एट मिलियन इंडियन रुपीजी दो सौ दो सौ साठ मिलियन इंडियन रुपीज लगाकर जस्ट छियासी मिलियन इंडियन रुपीज कमाने वाली ये एक फिल्म थी जो कि बहुत ही बुरे तरीके के साथ फ्लॉप हुई एंड ये मूवी के बारे में कम्पलीटली डिटेल्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी और आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंची रहे तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ हेलो दोस्तों अगर आप भी साल 2012 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी डेंजरस इश्क को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की यह वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई मींस मूवी का जेनर क्या था मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड इस मूवी के शाकास में कौन कौन से एक्टर शामिल थे उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही मींस अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोगों ने इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसाइक किया उसके पीछे डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर एंड राइटर कौन कौन से थे, थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की आपको कम्प्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया मतलब कितने पैसे लगाए गए हैं कितने पैसे कमाए गए जिससे आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा एंड आपको क्लियर हो जाएगा कि मूवी फेमस हुई यहाँ पे फ्लॉप हुई मतलब आपको देखनी चाहिए या नहीं तो उसी के साथ साथ एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको कहां पर यह मूवी अवेलेबल मिलेगी जहाँ पर आप इजीली अभी इस मूवी को एंजॉय कर पाओगे तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि तो उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी वीडियो से आगा तो साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंची रहे तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जर्नर के बारे में कि इस मूवी का जर्नल क्या है मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा तो इस मूवी का जर्नर है जी हॉर एंड मिस्ट्री मीन इस मूवी के अंदर आपको हॉरर एंड मिस्ट्री दिखाई देगी जो की आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगी उसी के साथ साथ हम लोग बात करेंगे इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी मींस इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम टाइम देना होगा तो इस मूवी की तो तेन तेन की ड्यूरेशन राउंड अबाउट एंड मिनट्स है मतलब दो घंटे और दस मिनट में कम्पलीट होने वाली ये एक जबरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टॉकास्ट के बारे में किस मूवी की में कौन कौन से एक्टर्स शामिल हैं तो यहाँ पर इस मूवी की में कृष्णा कपूर राजनीश दुग्गल जिम्मी शेरगिल दिव्य दुता आर्या बब्बर सामिर खोचर एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टार कास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक जबरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की तो के साथ साथ हम आपको बताएंगे इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही मीन लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे आईएमडीबी की डी से इस मूवी को क्या, क्या क्या रेटिंग्स मिली तो आईएमडीबी की डी से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 4.1 आउट ऑफ 10 जो कि बहुत ही जबरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को आई की जानव से उसी तो, के साथ साथ हम लोग बात करेंगे इस मूवी को जस्ट डेल की जानव से क्या रेटिंग्स मिली तो जस्ट डेल के यूजर्स की जानव से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर फोर आउट ऑफ टेन यहाँ पर भी इसकी रेटिंग जो थी वो नॉर्मल ही रही इसी तरह हम लोग बात कर लेते हैं द टाइम ऑफ इंडिया प्लेटफॉर्म की जनप से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली तो द टाइम ऑफ इंडिया प्लेटफॉर्म की जनप से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर टू पॉइंट फाइव आउट ऑफ फाइव यहाँ पर भी इसकी रेटिंग जो थी वो नॉर्मल ही रही उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जनप से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल के यूजर्स की जनप से इस मूवी को सिक्सटी सिक्स परसेंट तक लाइक किया गया जस्ट यहाँ पर इसकी रेटिंग जो थी वो कुछ हद तक ठीक थी लेकिन बाकी सभी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की रेटिंग जो थी वो बहुत ही कम कम थी उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं हैं कितनी रेटिंग ली इस मूवी ने तो इसके पीछे डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड कौन कौन से फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है तो यहाँ पर इस मूवी के डायरेक्टर विक्रम भट्ट जी हैं जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के राइटर के बारे में कि इस मूवी के राइटर कौन से थे तो यहाँ पर इस मूवी के राइटर आपको दिखाई देंगे अमीन हाजी जिन्होंने इस मूवी की आर्ट वाल स्टोरी लाइन को राइट किया तो है साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला तो यहाँ पर रिलायंस एंटरटेनमेंट आपको इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी में दिखाई देगी एंड उसी के साथ साथ एस ए प्रोडक्शन एंड एंटरप्राइजेस में दिखाई देगी उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के नायरेटर के बारे में कि इस मूवी के कौन थे तो यहाँ पर कृष्णा कपूर जी आपको इस मूवी के नायरेटर दिखाई देगी जिन्होंने इस मूवी के नायरेटर को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में किस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने अरेज किया तो यहाँ पर प्रवीण भट्ट जी आपको इस मूवी के सिनेमाटोग्राफर दिखाई देंगे एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर इस मूवी के अंदर तरह सम कुछ यहाँ पर थ्री डी योगी अगे जिन्हें यहाँ पर माइकल फ्लैक्स ने अरेंज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात करेंगे म्यूजिक डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कौन से थे तो यहाँ पर हिमेश रेशमिया जी आपको इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के ऊपर म्यूजिक को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं अगेन प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में किस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है तो यहाँ पर डर मोशन पिक्चर्स एंड ए एस ए प्रोडक्शन एंड एंटरप्राइस आपको इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देगी अभी हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में किस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है तो यहाँ पर रिलायंस एंटरटेनमेंट आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगी जिसमें आपको इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी के रिलीज डेट में क्या डेट थी जहां पर इस मूवी को रिलीज किया गया तो इलेवन मई टू इस मूवी की रिलीज डेट थी मतलब ग्यारह मई दो को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में ये मूवी चल रही थी आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एंजॉय कर पा रहे थे उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि इस मूवी के अंदर कौन कौन सी कंट्री शो की गई है कौन कौन सी लैंग्वेजेस को यूज किया गया तो ये जस्ट इंडियन कंट्री की मूवी थी एंड लैंग्वेजेस में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को ही यूज किया गया उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज नहीं किया गया हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस के बारे में कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया तो बजट जो इस मूवी के लिए लिया गया वो था यहाँ पर टू मिलियन एंड इंडियन रुपीज का मतलब दोस्तों इंडियन रुपीज इस मूवी का बजट था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो इस मूवी ने गेन किया वो था यहाँ पर एटी सिक्स पॉइंट एटी एट मिलियन इंडियन रुपीजी दो सौ दो सौ साठ मिलियन इंडियन रुपीस लगाकर जस्ट छियासी मिलियन इंडियन रुपीस कमाने वाली ये एक फिल्म थी जो कि बहुत ही बुरे तरीके के साथ फ्लॉप हुई एंड ये मूवी के बारे में कम्प्लीट डिटेल्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दी हैं आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच रहे तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ हेलो दोस्तों अगर आप भी साल 2012 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी डेंजरस इश्क को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है जस्ट जैसल की किस तरह की मूवी बनाई गई मीन्स मूवी का जर्नर क्या था मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड इस मूवी के साकाश में कौन कौन से एक्टर शामिल थे उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही मीन्स अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोगों ने इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसलाइक किया उसके पीछे डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर एंड राइटर कौन कौन से थे, थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की आपको कम्प्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया मतलब कितने पैसे लगाए गए हैं कितने पैसे कमाए गए जिससे आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा एंड आपको क्लियर हो जाएगा कि मूवी फेमस हुई यहाँ पर फ्लॉप हुई मतलब आपको देखनी चाहिए या नहीं तो उसी के साथ साथ एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको कहाँ पर यह मूवी अवेलेबल मिलेगी जहां पर आप इजीली अभी इस मूवी को एंजॉय कर पाओगे तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि तो उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बहसानी पहुंची रहे तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जर्नर के बारे में कि इस मूवी का जर्नल क्या है मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कोई दिखाई देगा तो इस मूवी का जर्नर है जी हॉरर एंड मिस्ट्री मीनस इस मूवी के अंदर आपको हॉरर एंड मिस्ट्री दिखाई देगी जो की आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगी उसी के साथ साथ हम लोग बात करेंगे इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी मीन इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम टाइम देना होगा तो इस मूवी की तो की ड्यूरेशन राउंड अबाउट एंड मिनट्स है मतलब दो घंटे और दस मिनट में कम्प्लीट होने वाली ये एक जबरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टॉकास्ट के बारे में किस मूवी इस मूवीकास्ट में कौन कौन से एक्टर्स शामिल हैं तो यहाँ पर इस मूवी के स्टारकास्ट में कृष्णमा कपूर राजनीश दुग्गल जिम्मी शेरगिल दिव्य दुता आर्या बब्बर सामिर खोचर एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टार कास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक जबरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की उसी तो के साथ साथ हम आपको बताएंगे इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही मींस लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक like किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे आईएमडीबी की जानव से इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली तो आईएमडीबी की जानव से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर फोर आउट ऑफ टेन जो कि बहुत ही जबरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को आई की जानव से उसी के साथ साथ हम लोग बात करेंगे इस मूवी को जस्ट डेल की जनब से क्या रेटिंग मिली तो जस्ट डेल के यूजर्स की, की से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहां पर 10, यहां पर आउट ऑफ भी इसकी रेटिंग जो थी वो नॉर्मल ही रही इसी तरह हम लोग बात कर लेते हैं द टाइम ऑफ इंडिया प्लेटफॉर्म की जनब से इस मूवी को क्या मिली तो द टाइम ऑफ इंडिया प्लेटफॉर्म की जनब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर टू आउट ऑफ फाइव यहाँ पर भी इसकी रेटिंग जो थी नॉर्मल ही रही उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जनब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल के यूजर्स की जानते इस मूवी को सिक्सटी सिक्स परसेंट तक लाइक किया गया जस्ट यहाँ पर इसकी रेटिंग जो थी वो कुछ हद हाँ तक ठीक थी, थी लेकिन बाकी सभी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की रेटिंग जो थी वो बहुत ही कम थी इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कितनी कम रेटिंग ली इस मूवी ने तो इसके पीछे डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड डायरेक्ट्रेस कौन कौन से हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में इस मूवी के डायरेक्टर कौन है तो यहाँ पर इस मूवी के डायरेक्टर विक्रम भट्ट जी हैं जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के राइटर के बारे में कि इस मूवी के राइटर कौन से थे तो यहां पर इस मूवी के राइटर आपको दिखाई देंगे अमिन हाजी जिन्होंने इस मूवी की आर्ट वाल स्टोरी लाइन को राइट किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला तो यहाँ पर आपको इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी में दिखाई देगी एंड उसी के साथ साथ ए एस ए प्रोडक्शन एंड इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी में दिखाई देगी उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के नरेटर के बारे में कि इस मूवी के नरेटर कौन थे तो यहाँ पर कृष्णा कपूर जी आपको इस मूवी के नरेटर दिखाई देंगी जिन्होंने इस मूवी के नायरेटर को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में किस मूवी के सिनेमाटोग्राफी को किसने अरेंज किया तो यहाँ पर प्रवीण भट्ट जी आपको इस मूवी के सिनेमाटोग्राफर दिखाई देंगे एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर इस मूवी के अंदर सम कुछ यहाँ पर थ्री डी एफेक्ट्स योगी अगे जिन्हें यहाँ पर माइकल फ्लैक्स जी ने अरेंज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात करेंगे म्यूजिक डायरेक्टर के बारे में किस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कौन से थे तो यहाँ पर हिमेश रेशमिया जी आपको इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के म्यूजिक को संभाला के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं अगेन प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में किस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है तो यहाँ पर डर मोशन पिक्चर्स एंड ए एस ए प्रोडक्शन एंड एंटरप्राइस आपको इस मूवी के दिखाई देगी अभी हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है तो यहाँ पर रिलायंस एंटरटेनमेंट आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगी जिसमें आपको इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में के इस मूवी की रिलीज डेट में क्या डेट थी जहां पर इस मूवी को रिलीज किया गया तो इलेवन मई टू इस मूवी की रिलीज डेट थी मतलब ग्यारह मई दो को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में ये मूवी चल रही थी आप लोग वहां पर इस मूवी को एंजॉय कर पा रहे थे उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि इस मूवी के अंदर कौन कौन सी कंट्री शो की गई है कौन कौन सी लैंग्वेजेस को यूज किया गया तो ये जस्ट इंडियन कंट्री की मूवी थी एंड लैंग्वेजेस में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को ही यूज किया गया उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज नहीं किया गया तो के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस के बारे में कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया तो बजट जो इस मूवी के लिए लिया गया वो था यहाँ पर टू मिलियन इंडियन रुपीज का मतलब दो मिलियन इंडियन रुपीज इस मूवी का बजट था एंड बॉक्स ऑफिस जो इस मूवी ने गेन किया वो था यहाँ पर एटी मिलियन इंडियन रुपीज जी हाँ दोस्तों दोस्तों साठ मिलियन इंडियन लगाकर जस्ट छियासी मिलियन इंडियन रुपीज कमाने वाली ये एक फिल्म थी जो कि बहुत ही बुरे तरीके के साथ फ्लॉप हुई एंड ये मूवी के बारे में कंप्लीटली डिटेल्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दी हैं आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी और आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंची रहे तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज हेलो दोस्तों अगर आप भी साल 2012 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी डेंजरस इश्क को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है चंदेक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई मीन्स मूवी का जर्नर क्या था मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड इस मूवी के शाकास में कौन कौन से एक्टर शामिल थे उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही मींस अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोगों ने इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसलाइक किया उसके पीछे डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर एंड राइटर कौन कौन से थे, थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की आपको कम्प्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया मतलब कितने पैसे लगाए गए हैं कितने पैसे कमाए गए जिससे आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा एंड आपको क्लियर हो जाएगा कि मूवी फेमस हुई यहाँ पे फ्लॉप हुई मतलब आपको देखनी चाहिए या नहीं तो उसी के साथ साथ एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको कहाँ पर यह मूवी अवेलेबल मिलेगी जहाँ पर आप इजीली अभी इस मूवी को एंजॉय कर पाओगे तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि तो उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव से आगा रहे उसी तो के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बारिश रहे तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जर्नर के बारे में कि इस मूवी का जर्नल क्या है मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा तो इस मूवी का जर्नर है जी हॉर एंड मिस्ट्री मीन्स इस मूवी के अंदर आपको हॉरर एंड मिस्ट्री दिखाई देगी जो की आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगी उसी के साथ साथ हम लोग बात करेंगे इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी मीन इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम टाइम देना होगा तो इस मूवी की तो की ड्यूरेशन अबाउट एंड मिनट्स है मतलब दो घंटे और दस मिनट में कम्पलीट होने वाली ये एक जबरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टॉकास्ट के बारे में इस मूवी की में कौन कौन से एक्टर्स शामिल हैं तो यहाँ पर इस मूवी की में कृष्णा कपूर राजनीश दुग्गल जिम्मी शेरगिल दिव्या दुता आर्या बब्बर सामिर खोचर एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टार कास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक जबरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की तो के साथ साथ हम आपको बताएंगे इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे आईएमडीबी की जानव से इस मूवी को क्या क्या रेटिंग मिली तो आईएमडीबी की जानव से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर फोर आउट ऑफ टेन जो कि बहुत ही जबरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को आई की जानव से उसी के साथ साथ हम लोग बात करेंगे इस मूवी को जस्ट डेल की जनम से क्या रेटिंग मिली तो जस्ट डेल के यूजर्स की से इस मूवी को जो रेटिंग फोर पॉइंटिंग थी वो नॉर्मल ही रही इसी तरह हम लोग बात कर लेते हैं द टाइम ऑफ इंडिया प्लेटफॉर्म प्लेट की से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली तो द टाइम ऑफ इंडिया प्लेटफॉर्म की जनम से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर टू पॉइंट फाइव आउट ऑफ फाइव यहाँ पर भी इसकी रेटिंग जो थी वो नॉर्मल ही रही उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जनब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल के यूजर्स की जरूरत से इस मूवी को सिक्सटी सिक्स परसेंट तक लाइक किया गया जस्ट यहाँ पर इसकी रेटिंग जो थी वो कुछ हद हाँ तक ठीक थी, थी लेकिन बाकी सभी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की रेटिंग जो थी वो बहुत ही कम थी इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कितनी कम रेटिंग ली इस मूवी ने तो इसके पीछे डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर कौन कौन से हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है तो यहाँ पर इस मूवी के डायरेक्टर विक्रम भट्ट जी हैं जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के राइटर के बारे में कि इस मूवी के राइटर कौन से थे तो यहाँ पर इस मूवी के राइटर आपको दिखाई देंगे अमीन हाजी जिन्होंने इस मूवी की आर्ट वर्ल्ड स्टोरी लाइन को राइट किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला तो यहाँ पर रिलायंस इंटरटेनमेंट आपको इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी में दिखाई देगी एंड उसी के साथ साथ ए एस ए प्रोडक्शन एंड इंटरप्राइजेस को इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी में दिखाई देगी उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के नरेटर के बारे में कि इस मूवी के नरेटर कौन थे तो यहाँ पर कृष्णमा कपूर जी आपको इस मूवी के नरेटर दिखाई देगी जिन्होंने इस मूवी की नरेटर को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में किस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने अरेंज किया तो यहाँ पर प्रवीण भट्ट जी आपको इस मूवी के सिनेमाटोग्राफर दिखाई देंगे एंड उसी साथ साथ पर यहाँ पर इस मूवी के अंदर कुछ यहाँ पर थ्री डी इफेक्ट्स योगी आगे जिन्हें यहाँ पर माइकल फ्लैक्स ने अरेंज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात करेंगे म्यूजिक डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कौन से थे तो यहाँ पर हिमेश रेशमिया जी आपको इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के ऊपर म्यूजिक को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं अगेन प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में किस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है तो यहाँ पर डर मोशन पिक्चर्स एंड ए एस ए प्रोडक्शन एंड एंटरप्राइस आपको इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देगी अभी हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के बारे में किस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है तो यहाँ पर रिलायंस एंटरटेनमेंट आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगी जिसमें आपको इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में के इस मूवी की रिलीज डेट में क्या डेट थी जहां पर इस मूवी को रिलीज किया गया तो इलेवन मई टू इस मूवी की रिलीज डेट थी मतलब ग्यारह मई दो को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में ये मूवी चल रही थी आप लोग वहां पर इस मूवी को एंजॉय कर पा रहे थे उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि इस मूवी के अंदर कौन कौन सी कंट्री शो की गई हैं और कौन कौन सी लैंग्वेजेस को यूज किया गया तो ये जस्ट इंडियन कंट्री की मूवी थी एंड लैंग्वेजेस में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को ही यूज किया गया उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज नहीं किया गया तो तो साथ हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस के बारे में कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया तो बजट जो इस मूवी के लिए लिया गया वो था यहाँ पर टू हंड एंड सिक्स इंडियन रुपीज का मतलब दोस्तों इंडियन रुपीज ये इस मूवी का बजट था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो इस मूवी ने गेन किया वो था यहाँ पर एटी सिक्स पॉइंट एटी एट मिलियन इंडियन रुपीजी दोस्तों दो सौ साठ मिलियन इंडियन रुपीज लगाकर जस्ट छियासी मिलियन इंडियन रुपीज कमाने वाली ये एक फिल्म थी जो कि बहुत ही बुरे तरीके के साथ फ्लॉप हुई एंड ये मूवी के बारे में कम्पलीट डिटेल्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दी हैं आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंची रहे तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ हेलो दोस्तों अगर आप भी साल 2012 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी डेंजरस इश्क को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हां आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है अंदर फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई मीन्स मूवी का जेनर क्या था मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड इस मूवी के शाकाश में कौन कौन से एक्टर शामिल थे उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही मींस अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोगों ने इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसाइक किया उसके पीछे डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर एंड राइटर कौन कौन से थे, थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की आपको कम्प्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया मतलब कितने पैसे लगाए गए हैं कितने पैसे कमाए गए जिससे आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा एंड आपको क्लियर हो जाएगा कि मूवी फेमस हुई यहाँ पे फ्लॉप हुई मतलब आपको देखनी चाहिए या नहीं तो उसी के साथ साथ एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको कहाँ पर यह मूवी अवेलेबल मिलेगी जहाँ पर आप इजीली अभी इस मूवी को एंजॉय कर पाओगे तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे इसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बह आसानी पहुँची रहे तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के चैनल के बारे में के इस मूवी का जर्नर क्या है मींस इस मूवी के अंदर आपको क्या कोई दिखाई देगा तो इस मूवी का जर्नर है जी हॉरर एंड मिस्ट्री मींस इस मूवी के अंदर आपको हॉरर एंड मिस्ट्री दिखाई देगी जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगी उसी के साथ साथ हम लोग बात करेंगे इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी मीस इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट टू आवर्स एंड टेन मिनट्स की है मतलब दो घंटे और दस मिनट में कंप्लीट होने वाली ये एक जबरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टारकास्ट के बारे में किस मूवी स्टार स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर्स शामिल हैं तो यहाँ पर इस मूवी के स्टारकास्ट में क्रिश्मा कपूर राजनीश दुग्गल जिम्मी शेरगिल दिव्या दत्ता आर्या बब्बर सामिर खोचर एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टार कास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक जबरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की तो साथ साथ हम आपको बताएंगे इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे आईएमडीबी की जानव से इस मूवी को क्या क्या रेटिंग मिली तो आईएमडीबी की जनब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर फोर पॉइंट वन आउट ऑफ टेन जो कि बहुत ही जबरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को आई की जानव से उसी के साथ साथ हम लोग बात करेंगे इस मूवी को जस्ट डेल की जनब से क्या रेटिंग्स मिली तो जस्ट डेल के यूजर्स की जानव से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 4.2 पॉइंट टू आउट ऑफ टेन यहाँ पर भी इसकी रेटिंग जो थी वो नॉर्मल ही रही इसी तरह हम लोग बात कर लेते हैं द टाइम ऑफ इंडिया प्लेटफॉर्म की जानव से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली तो द टाइम ऑफ इंडिया प्लेटफॉर्म की से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर टू पॉइंट फाइव आउट ऑफ फाइव यहाँ पर भी इसकी रेटिंग जो थी वो नॉर्मल ही रही उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जनब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल के यूजर्स की जन्म से इस मूवी को सिक्सटी तक लाइक किया गया जस्ट यहाँ पर इसकी रेटिंग जो थी वो कुछ हद हाँ तक ठीक थी, थी लेकिन बाकी सभी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की रेटिंग जो थी वो बहुत ही कम इस मूवी तो के डायरेक्टर कौन है तो यहाँ पर इस मूवी के डायरेक्टर विक्रम जी हैं जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के राइटर के बारे में कि इस मूवी के राइटर कौन से थे तो यहाँ पर इस मूवी के राइटर आपको दिखाई देंगे अमीन हाजी जिन्होंने इस मूवी की आर्ट वाल स्टोरी लाइन को राइट किया तो इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला तो यहाँ पर रिलायंस इंटरटेनमेंट्स आपको इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी में दिखाई देगी एंड उसी के साथ साथ ए एस ए प्रोडक्शन एंड एंटरप्राइजेस आपको इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी में दिखाई देगी उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के नरेटर के बारे में कि इस मूवी के नरेटर कौन थे तो यहाँ पर कृष्णमा कपूर जी आपको इस मूवी के नरेटर दिखाई देंगी जिन्होंने इस मूवी के नरेटर को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में किस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने अरेज किया तो यहाँ पर प्रवीण भट्ट जी आपको इस मूवी के सिनेमाटोग्राफर दिखाई देंगे एंड इसके साथ साथ यहाँ पर इस मूवी के अंदर कुछ यहाँ पर थ्री डी इफेक्ट्स योगी अगे जिन्हें यहाँ पर माइकल फ्लैक्स ने अरेंज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात करेंगे म्यूजिक डायरेक्टर के बारे में किस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कौन से थे तो यहाँ पर हिमेश रेशमिया जी आपको इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के म्यूजिक को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं अगेन प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में किस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है तो यहाँ पर डर मोशन पिक्चर्स एंड एएसए प्रोडक्शंस एंड एंटरप्राइज आपको इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देगी अभी हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनीज शामिल हैं तो यहाँ पर रिलायंस इंटरटेनमेंट आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगी जिसमें आपको इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी के रिलीज डेट में क्या डेट थी जहाँ पर इस मूवी को रिलीज किया गया तो इलेवन मई टू इस मूवी की रिलीज डेट थी मतलब ग्यारह मई दो को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में ये मूवी चल रही थी आप लोग वहां पर इस मूवी को इन्जॉय कर पा रहे थे उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में इस मूवी के अंदर कौन कौन सी कंट्री शो की गई है कौन कौन सी लैंग्वेजेस को यूज किया गया तो ये जस्ट इंडियन कंट्री की मूवी थी एंड लैंग्वेज में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को ही यूज किया गया उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज नहीं किया गया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस के बारे में कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया तो बजट जो इस मूवी के लिए लिया गया वो था यहाँ पर टू हंड्रेड एंड सिक्सटी मिलियन इंडियन रुपीज का मतलब दो सौ साठ मिलियन इंडियन रुपीज इस मूवी का बजट था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो इस मूवी ने गेन किया वो था यहाँ पर एटी सिक्स पॉइंट एटी एट मिलियन इंडियन रुपीस दो सौ दो सौ साठ मिलियन इंडियन रुपीज लगाकर जस्ट छियासी मिलियन इंडियन रुपीज कमाने वाली ये एक फिल्म थी जो कि बहुत ही बुरे तरीके के साथ फ्लॉप हुई एंड ये मूवी के बारे में कम्पलीटरी डिटेल्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दी हैं आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंची रहे तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ हेलो दोस्तों अगर आप भी साल 2012 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी डेंजरस इश्क को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हां आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है चंदेक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई मींस मूवी का जेनर क्या था मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड इस मूवी के शाकाश में कौन कौन से एक्टर शामिल थे उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही मीन्स अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोगों ने इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसलाइक किया उसके पीछे डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर एंड राइटर कौन कौन से थे, थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की आपको कम्प्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया मतलब कितने पैसे लगाए गए हैं कितने पैसे कमाए गए जिससे आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा एंड आपको क्लियर हो जाएगा कि मूवी फेमस हुई यहाँ पे फ्लॉप हुई मतलब आपको देखनी चाहिए या नहीं तो उसी के साथ साथ एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको कहाँ पर यह मूवी अवेलेबल मिलेगी जहां पर आप इजीली अभी इस मूवी को एंजॉय कर पाओगे तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि तो उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंची रहे तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जर्नल के बारे में कि इस मूवी का जर्नल क्या है मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा तो इस मूवी का जर्नल है जी हॉर एंड मिस्ट्री मीन्स इस मूवी के अंदर आपको हॉरर एंड मिस्ट्री दिखाई देगी जो की आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगी उसी के साथ साथ हम लोग बात करेंगे इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में, की क्या थी? में की है। मतलब दो घंटे और दस मिनट में कम्पलीट होने वाली ये जबरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टॉकास्ट के बारे में किस मूवी के स्टॉकास्ट में कौन कौन से एक्टर्स शामिल हैं तो यहाँ पर इस मूवी में कृष्णा कपूर राजनीश दुग्गल जिम्मी शेरगिल दिव्य दुता आर्या बब्बर सामिर खोचर एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टार कास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक जबरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की तो के साथ साथ हम आपको बताएंगे इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही मींस लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे आईएमडीबी की जानव से इस मूवी को क्या, क्या क्या रेटिंग्स मिली तो आईएमडीबी की जानव से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 4.1 आउट ऑफ 10 जो कि बहुत ही जबरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को आई की जानब से उसी के साथ साथ हम लोग बात करेंगे इस मूवी को जस्ट डेल की जनब से क्या रेटिंग्स मिली तो जस्ट डेल के यूजर्स की जनब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 4.2 पॉइंट टू आउट ऑफ टेन यहाँ पर भी इसकी रेटिंग जो थी वो नॉर्मल ही रही इसी तरह हम लोग बात कर लेते हैं द टाइम ऑफ इंडिया प्लेटफॉर्म की जनब से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली तो द टाइम ऑफ इंडिया प्लेटफॉर्म की जनब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर टू आउट ऑफ फाइव यहाँ पर भी इसकी रेटिंग जो थी वो नॉर्मल ही रही उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जरूरत से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल के यूजर्स की जरूरत से इस मूवी को 66 परसेंट तक लाइक किया गया जस्ट यहाँ पर इसकी रेटिंग जो थी वो कुछ हद तक ठीक थी लेकिन बाकी सभी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की रेटिंग जो थी वो बहुत ही कम थी इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कितनी कम रेटिंग ली इस मूवी ने तो इसके पीछे डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर कौन कौन से हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है तो यहाँ पर इस मूवी के डायरेक्टर विक्रम भट्ट जी हैं जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के राइटर के बारे में कि इस मूवी के राइटर कौन से थे तो यहाँ पर इस मूवी के राइटर आपको दिखाई देंगे अमीन हाजी जिन्होंने इस मूवी की आर्ट के स्टोरी लाइन को राइट किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला तो यहाँ पर रिलायंस इंटरटेनमेंट आपको इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देगी एंड उसी के साथ साथ ए एस ए प्रोडक्शन एंड एंटरप्राइजेस आपको इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी में दिखाई देगी उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के नरेटर के बारे में कि इस मूवी के नरेटर कौन थे तो यहाँ पर कृष्णमा कपूर जी आपको इस मूवी के नरेटर दिखाई देंगी जिन्होंने इस मूवी के नरेटर को संभाला साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में किस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने अरेन्ज किया तो यहाँ पर प्रवीण भट्ट जी आपको इस मूवी के सिनेमाटोग्राफर दिखाई देंगे एंड इसके साथ साथ यहाँ पर इस मूवी के अंदर कुछ यहाँ पर थ्री इफेक्ट्स इफेक्ट योगी अगे जिन्हें यहाँ पर माइकल फ्लैक्स जी ने अरेंज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात करेंगे म्यूजिक डायरेक्टर के बारे में किस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कौन से थे तो यहाँ पर हिमेश रेशमिया जी आपको इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के पर... म्यूजिक को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं अगेन प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में किस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है यहाँ पर डर मोशन पिक्चर्स एंड एएसए प्रोडक्शंस एंड एंटरप्राइजेस आपको इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देगी अभी हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनीज शामिल हैं तो यहाँ पर रिलायंस इंटरटेनमेंट आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगी जिसमें आपको इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी के रिलीज डेट में क्या डेट थी जहाँ पर इस मूवी को रिलीज किया गया तो इलेवन मई टू इस मूवी की रिलीज डेट थी मतलब ग्यारह मई दो को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में ये मूवी चल रही थी आप लोग वहां पर इस मूवी को इन्जॉय कर पा रहे थे उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि इस मूवी के अंदर कौन कौन सी कंट्री शो की गई है और कौन कौन सी लैंग्वेजेस को यूज किया गया तो ये जस्ट इंडियन कंट्री की मूवी थी एंड लैंग्वेज में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को ही यूज किया गया उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज नहीं किया गया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस के बारे में कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया तो बजट जो इस मूवी के लिए लिया गया वो था यहाँ पर टू हंड्रेड एंड सिक्सटी मिलियन इंडियन रुपीज का मतलब दो सौ साठ मिलियन इंडियन रुपीज ये इस मूवी का बजट था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो इस मूवी ने गेन किया वो था यहाँ पर एटी मिलियन इंडियन जी रुपीजिया दोस्तों दो सौ साठ मिलियन इंडियन रुपीज लगाकर जस्ट छियासी मिलियन इंडियन रुपीज कमाने वाली ये एक फिल्म थी जो कि बहुत ही बुरे तरीके के साथ फ्लॉप हुई एंड uh, ये मूवी के बारे में कंप्लीटली डिटेल्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दी हैं आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी और आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी यह बात जानने के लिए कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव से आगा रहे उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंची रहे तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज हेलो दोस्तों अगर आप भी साल 2012 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी डेंजरस इश्क को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है कैनिक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई मीन्स मूवी का जेनर क्या था मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड इस मूवी के शाकास में कौन कौन से एक्टर शामिल थे उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही मीनस अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोगों ने इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसलाइक किया उसके पीछे डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर एंड राइटर कौन कौन से थे, थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की आपको कम्पलीटली डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया मतलब कितने पैसे लगाए गए हैं कितने पैसे कमाए गए जिससे आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा एंड आपको क्लियर हो जाएगा कि मूवी फेमस हुई यहाँ पे फ्लॉप हुई मतलब आपको देखनी चाहिए या नहीं तो उसी के साथ साथ एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको कहाँ पर यह मूवी अवेलेबल मिलेगी जहां पर आप इजीली अभी इस मूवी को एंजॉय कर पाओगे तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि तो उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बह आसानी पहुंची रहे तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जर्नल के बारे में कि इस मूवी का जर्नल क्या है मींस इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा तो इस मूवी का जर्नल है जी हॉरर एंड मिस्ट्री मींस इस मूवी के अंदर आपको हॉरर एंड मिस्ट्री दिखाई देगी जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगी उसी के साथ साथ हम लोग बात करेंगे इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में की हावर्स तेन तेन की है. मतलब दो घंटे और दस मिनट में कम्पलीट होने वाली जबरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टॉकास्ट के बारे में किस मूवी के स्टॉक में कौन कौन से एक्टर्स शामिल हैं तो यहाँ पर इस मूवी में कृष्णा कपूर राजनीश दुग्गल जिम्मी शेरगिल दिव्य दुता आर्या बब्बर सामिर खोचर एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टार कास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक जबरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की तो के साथ साथ हम आपको बताएंगे इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही मीनस लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे आई एम डी बी की जानव से इस मूवी को क्या क्या रेटिंग मिली तो आई एम डी बी की जानव से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर फोर पॉइंट वन आउट ऑफ टेन जो कि बहुत ही जबरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को आई एम डी बी की जानब से उसी के साथ साथ हम लोग बात करेंगे इस मूवी को जस्ट डेल की जनब से क्या रेटिंग्स मिली तो जस्ट डेल के यूजर्स की से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 4.2 पॉइंट टू आउट ऑफ टेन यहाँ पर भी इसकी रेटिंग जो थी नॉर्मल ही रही इसी तरह हम लोग बात कर लेते हैं द टाइम ऑफ इंडिया प्लेटफॉर्म की जानव से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली तो द टाइम ऑफ इंडिया प्लेटफॉर्म की जनब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर टू आउट ऑफ फाइव यहाँ पर भी इसकी रेटिंग जो थी वो नॉर्मल ही रही उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानव से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल के यूजर्स की जरूरत से इस मूवी को 66 परसेंट तक लाइक किया गया जस्ट यहाँ पर इसकी रेटिंग जो थी वो कुछ हद हाँ तक ठीक थी, थी लेकिन बाकी सभी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की रेटिंग जो थी वो बहुत ही कम थी इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेती है कितनी कम रेटिंग ली इस मूवी ने तो इसके पीछे डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर्स कौन कौन से हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में इस मूवी के डायरेक्टर कौन है तो यहाँ पर इस मूवी के डायरेक्टर विक्रम भट्ट जी हैं जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के राइटर के बारे में कि इस मूवी के राइटर कौन से थे तो यहां पर इस मूवी के राइटर आपको दिखाई देंगे अमिन हाजी जिन्होंने इस मूवी की आर्ट वर्ल्ड तो स्टोरी लाइन को राइट किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला तो यहाँ पर रिलायंस इंटरटेनमेंट आपको इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी में दिखाई देगी एंड उसी के साथ साथ ए एस ए प्रोडक्शन एंड एंटरप्राइजेस आपको इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी में दिखाई देगी उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के नरेटर के बारे में कि इस मूवी के नायरेटर कौन थे तो यहाँ पर कृष्णा कपूर जी आपको इस मूवी के नरेटर दिखाई देंगी जिन्होंने इस मूवी के नायरेटर को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में किस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने अरेंज किया तो यहाँ पर प्रवीण भट्ट जी आपको इस मूवी के सिनेमाटोग्राफी दिखाई देंगे एंड उसके साथ साथ यहाँ पर इस मूवी के अंदर कुछ यहाँ पर थ्री डी इफेक्ट योगी अगे जिन्हें यहाँ पर माइकल फ्लैक्स ने अरेंज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात करेंगे म्यूजिक डायरेक्टर के बारे में किस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कौन से थे तो यहाँ पर हिमेश रेशमिया जी आपको इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के ऊपर म्यूजिक को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं अगेन प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में किस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है तो यहाँ पर डर मोशन पिक्चर्स एंड ए एस ए प्रोडक्शन एंड एंटरप्राइजेस आपको इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देगी अभी हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में किस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है तो यहाँ पर रिलायंस इंटरटेनमेंट आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगी जिसमें आपको इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी के रिलीज डेट में क्या डेट थी जहां पर इस मूवी को रिलीज किया गया तो इलेवन मई टू इस मूवी की रिलीज डेट थी मतलब ग्यारह मई दो को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया इंडिया के तमाम तो सिनेमाघरों में ये मूवी चल रही थी आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एंजॉय कर पा रहे थे उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि इस मूवी के अंदर कौन कौन सी कंट्री शो की गई है कौन कौन सी लैंग्वेजेस को यूज किया गया तो ये जस्ट इंडियन कंट्री की मूवी थी एंड लैंग्वेजेस में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को ही यूज़ किया गया उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज नहीं किया गया तो के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस के बारे में कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया तो बजट जो इस मूवी के लिए लिया गया यहाँ पर टू हंड एंड सिक्स इंडियन रुपीज का मतलब दो सौ मिलियन इंडियन रुपीज इस मूवी का बजट था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो इस मूवी ने गेन किया वो था यहाँ पर एट्टी सिक्स पॉइंट एटी एट मिलियन इंडियन रुपीज जी दो सौ दो सौ साठ मिलियन इंडियन रुपीज लगाकर जस्ट छियासी मिलियन इंडियन रुपीज कमाने वाली ये एक फिल्म थी जो कि बहुत ही बुरे तरीके के साथ फ्लॉप हुई एंड ये मूवी के बारे में कम्पलीट डिटेल्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी और आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नियो वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंची रहे तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ हेलो दोस्तों अगर आप भी साल 2012 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी डेंजरस इश्क को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हां आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है चैनल फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है जस्ट like किस तरह की मूवी बनाई गई मींस मूवी का जेनर क्या था मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड इस मूवी के कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही मींस अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोगों ने इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसलाइक किया उसके पीछे डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर एंड राइटर कौन कौन थे, थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की आपको कम्पलीटली डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया मतलब कितने पैसे लगाए गए कितने पैसे कमाए गए जिससे आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा एंड आपको क्लियर हो जाएगा कि मूवी फेमस हुई यहाँ पे फ्लॉप हुई मतलब आपको देखनी चाहिए या नहीं तो उसी के साथ साथ एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको कहां पर यह मूवी अवेलेबल मिलेगी जहां पर आप इजीली अभी इस मूवी को एंजॉय कर पाओगे तो शुरू करते हैं आज किस वीडियो को लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि तो उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव से आगा रहे उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बह आसानी पहुंची रहे तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जैनल के बारे में के इस मूवी का जर्नर क्या है मींस इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा तो इस मूवी का जर्नर है जी हॉरर एंड मिस्ट्री मींस इस मूवी के अंदर आपको हॉरर एंड मिस्ट्री दिखाई देगी जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगी उसी के साथ साथ हम लोग बात करेंगे इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी मीस इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट टू आवर्स एंड टेन मिनट्स की है मतलब दो घंटे और दस मिनट में कंप्लीट होने वाली ये एक जबरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारकास्ट के बारे में किस मूवी की स्टॉक कास्ट में कौन कौन से एक्टर्स शामिल हैं तो यहाँ पर इस मूवी के स्टारकास्ट में कृष्णा कपूर राजनीश दुग्गल जिम्मी शेरगिल दिव्या दत्ता आर्या बब्बर सामिर खोचर एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टार कास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक जबरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की तो के साथ साथ हम आपको बताएंगे इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही मीन लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे आई की जानव से इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली तो आई की जानव से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 4.1 आउट ऑफ 10 जो कि बहुत ही जबरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को आई की जानव से उसी के साथ साथ हम लोग बात करेंगे इस मूवी को जस्ट डेल की जनब से क्या रेटिंग्स मिली तो जस्ट डेल के यूजर्स की से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 4.2 पॉइंट टू आउट ऑफ टेन यहाँ पर भी इसकी रेटिंग जो थी नॉर्मल ही रही इसी तरह हम लोग बात कर लेते हैं द टाइम ऑफ इंडिया प्लेटफॉर्म की जानव से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली तो द टाइम ऑफ इंडिया प्लेटफॉर्म की जान से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर टू आउट ऑफ फाइव यहाँ पर भी इसकी रेटिंग जो थी नॉर्मल ही रही उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल के यूजर्स की जाने से इस मूवी को 66 परसेंट तक लाइक किया गया जस्ट यहां पर इसकी रेटिंग जो थी वो कुछ हद हाँ तक ठीक थी, थी लेकिन बाकी सभी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की रेटिंग जो थी वो बहुत ही कम थी इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कितनी कम रेटिंग ली इस मूवी ने तो इसके पीछे डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर कौन कौन से हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है तो यहाँ पर इस मूवी के डायरेक्टर विक्रम भट्ट जी हैं जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के राइटर के बारे में कि इस मूवी के राइटर कौन से थे तो यहाँ पर इस मूवी के राइटर आपको दिखाई देंगे अमीन हाजी जिन्होंने इस मूवी की ऑल आल्टी लाइन को राइट किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला तो यहाँ पर रिलायंस इंटरटेनमेंट आपको इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देगी एंड उसी के साथ साथ ए एस ए प्रोडक्शन एंड एंटरप्राइजेस आपको इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी में दिखाई देगी उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के नरेटर के बारे में कि इस मूवी के नरेटर कौन थे तो यहाँ पर कृष्णा कपूर जी आपको इस मूवी के नरेटर दिखाई देंगी जिन्होंने इस मूवी के नरेटर को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में किस मूवी की सीनेमाटोग्राफी को किसने अरेंज किया तो यहाँ पर प्रवीण भट्ट जी आपको इस मूवी के सिनेमाटोग्राफी दिखाई देंगे साथ साथ यहाँ पर इस मूवी के अंदर सम कुछ यहाँ पर थ्री डी इफेक्ट योगे जिन्हें यहाँ पर माइकल फ्लैक्स जी ने अरेंज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात करेंगे म्यूजिक डायरेक्टर के बारे में किस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कौन से थे तो यहाँ पर हिमेश रेशमिया जी आपको इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के ऊपर म्यूजिक को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं अगेन प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में किस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है तो यहाँ पर डर मोशन पिक्चर्स एंड एएसए प्रोडक्शंस एंड एंटरप्राइजेस आपको इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देगी अभी हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनीज शामिल हैं तो यहाँ पर रिलायंस इंटरटेनमेंट आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगी जिसमें आपको इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी के रिलीज डेट में क्या डेट थी जहाँ पर इस मूवी को रिलीज किया गया तो इलेवन मई टू इस मूवी की रिलीज डेट थी मतलब ग्यारह मई दो को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में ये मूवी चल रही थी आप लोग वहां पर इस मूवी को एन्जॉय कर पा रहे थे उसी के साथ साथ हम लोग बात, तो लो बात कर लेते हैं कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में इस मूवी के अंदर कौन कौन सी कंट्री शो की गई कौन कौन सी लैंग्वेजेस को यूज किया गया तो ये जस्ट इंडियन कंट्री की मूवी थी एंड लैंग्वेजेज में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज नहीं किया गया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस के बारे में इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया एंड बॉक्स ऑफिस मूवी ने कितना गेन किया तो बजट जो इस मूवी के लिए लिया गया वो था यहाँ पर टू हंड्रेड एंड सिक्सटी मिलियन इंडियन रुपीज का मतलब दो सौ साठ मिलियन इंडियन रुपीज ये इस मूवी का बजट था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो इस मूवी ने गेन किया वो था यहाँ पर एटी सिक्स पॉइंट एटी एट मिलियन इंडियन रुपीज जी दो दोस्तों दो सौ साठ मिलियन इंडियन रुपीज लगाकर जस्ट छियासी मिलियन इंडियन रुपीज कमाने वाली ये एक फिल्म थी जो कि बहुत ही बुरे तरीके के साथ फ्लॉप हुई एंड ये मूवी के बारे में कम्पलीटली डिटेल्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दी हैं आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी और आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंची रहे तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ हेलो दोस्तों अगर आप भी साल 2012 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी डेंजरस इश्क को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हां आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है कैनिक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई मींस मूवी का जेनर क्या था मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड इस मूवी के कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही मीन्स अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोगों ने इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसलाइक किया उसके पीछे डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर एंड राइटर कौन कौन से थे, थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की आपको कम्पलीटली डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया मतलब कितने पैसे लगाए गए हैं कितने पैसे कमाए गए जिससे आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा एंड आपको क्लियर हो जाएगा कि मूवी फेमस हुई यहाँ पे फ्लॉप हुई मतलब आपको देखनी चाहिए या नहीं तो उसी के साथ साथ एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको कहां पर यह मूवी अवेलेबल मिलेगी जहां पर आप इजीली अभी इस मूवी को एंजॉय कर पाओगे तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि तो उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे इसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंची रहे तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जर्नल के बारे में कि इस मूवी का जनर क्या है मींस इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा तो इस मूवी का जनर है जी हॉरर एंड मिस्ट्री मींस इस मूवी के अंदर आपको हॉरर एंड मिस्ट्री दिखाई देगी जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगी उसी के साथ साथ हम लोग बात करेंगे इस मूवी की टाइम के बारे में की की है. मतलब दो घंटे और दस मिनट में कम्प्लीट होने वाली ये जबरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टॉकास्ट के बारे में किस मूवी के स्टॉक में कौन कौन से एक्टर्स शामिल हैं तो यहाँ पर इस मूवी के स्टॉक में कृष्णा कपूर राजनीश दुग्गल जिम्मी शेरगिल दिव्य दुता आर्या बब्बर सामिर खोचर एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टार कास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक जबरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की उसी के साथ साथ हम आपको बताएंगे इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही मीन लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे आई की डी से इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली तो आई की डी से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 4.1 पॉइंट वन आउट ऑफ टेन जो कि बहुत ही जबरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को आई की जानव से उसी के साथ साथ हम लोग बात करेंगे इस मूवी को जस्ट डेल की जानव से क्या रेटिंग मिली तो जस्ट डेल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर फोर आउट ऑफ टेन यहाँ पर भी इसकी रेटिंग जो थी वो नॉर्मल ही रही इसी तरह हम लोग बात कर लेते हैं द टाइम ऑफ इंडिया प्लेटफॉर्म की जनब से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली तो द टाइम ऑफ इंडिया प्लेटफॉर्म की जनब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर टू पॉइंट फाइव आउट ऑफ फाइव यहाँ पर भी इसकी रेटिंग जो थी वो नॉर्मल ही रही उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जनब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल के यूजर्स की जनब से इस मूवी को सिक्सटी सिक्स परसेंट तक लाइक किया गया जस्ट यहाँ पर इसकी रेटिंग जो थी वो कुछ हद तक ठीक थी लेकिन बाकी सभी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की रेटिंग जो थी वो बहुत ही

उसी तो के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला तो यहाँ पर रिलायंस इंटरटेनमेंट आपको इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी में दिखाई देगी एंड उसी के साथ साथ ए एस ए प्रोडक्शन एंड इंटरप्राइजेस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी में दिखाई देगी उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के नरेटर के बारे में कि इस मूवी के नरेटर कौन थे तो यहाँ पर कृष्मा कपूर जी आपको इस मूवी के नरेटर दिखाई देंगी जिन्होंने इस मूवी के नरेटर को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में किस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने अरेन्ज किया तो यहाँ पर प्रवीण भट्ट जी आपको इस मूवी के सिनेमाटोग्राफर दिखाई देंगे एंड उसके साथ साथ यहाँ पर इस मूवी के अंदर तरह सम कुछ यहाँ पर थ्री डी इफेक्ट्स यो किए गए जिन्हें यहाँ पर माइकल फ्लैक्स ने अरेंज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात करेंगे म्यूजिक डायरेक्टर के बारे में किस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कौन से थे तो यहाँ पर हिमेश रेशमिया जी आपको इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के म्यूजिक को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं अगेन प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में किस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है तो यहाँ पर डर मोशन पिक्चर्स एंड ए एस ए प्रोडक्शन एंड एंटरप्राइजेस आपको इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देगी अभी हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में किस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है तो यहाँ पर रिलायंस इंटरटेनमेंट आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगी जिसमें आपको इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी के रिलीज डेट में क्या डेट थी जहां पर इस मूवी को रिलीज किया गया तो इलेवन मई टू इस मूवी की रिलीज डेट थी मतलब ग्यारह मई दो को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में ये मूवी चल रही थी आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एंजॉय कर पा रहे थे उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि इस मूवी के अंदर कौन कौन सी कंट्री शो की गई है कौन कौन सी लैंग्वेजेस को यूज किया गया तो ये जस्ट इंडियन कंट्री की मूवी थी एंड लैंग्वेजेस में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को ही यूज किया गया उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज नहीं किया गया तो साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस के बारे में इस मूवी के लिए बजट कितना, कितना गेन किया तो बजट जो, जो इस मूवी के लिए मूवी का बजट मतलब था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो इस मूवी ने गेन किया वो था यहाँ पर एटी सिक्स पॉइंट एटी एट मिलियन इंडियन रुपीजिया दो सौ दो सौ साठ मिलियन इंडियन रुपीज लगाकर जस्ट छियासी मिलियन इंडियन रुपीज कमाने वाली ये एक फिल्म थी जो कि बहुत ही बुरे तरीके के साथ फ्लॉप हुई एंड ये मूवी के बारे में कम्प्लीट डिटेल्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दी हैं आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी और आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंची रहे तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ हेलो दोस्तों अगर आप भी साल 2012 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी डेंजरस इश्क को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हां आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है चैनिक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई मींस मूवी का जेनर क्या था मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड इस मूवी के साकाश में कौन कौन से एक्टर शामिल थे उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही मीन्स अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोगों ने इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसलाइक किया उसके पीछे डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर एंड राइटर कौन कौन से थे, थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की आपको कंप्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया मतलब कितने पैसे लगाए गए हैं कितने पैसे कमाए गए जिससे आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा एंड आपको क्लियर हो जाएगा कि मूवी फेमस हुई यहाँ पे फ्लॉप हुई मतलब आपको देखनी चाहिए या नहीं तो उसी के साथ साथ द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको कहां पर मूवी अवेलेबल मिलेगी जहाँ पर आप इजीली अभी इस मूवी को एंजॉय कर पाओगे तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि तो उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव से आगा रहे उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बह आसानी पहुंची रहे तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जर्नर के बारे में कि इस मूवी का जर्नल क्या है मींस इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा तो इस मूवी का जर्नर है जी हॉरर एंड मिस्ट्री मींस इस मूवी के अंदर आपको हॉरर एंड मिस्ट्री दिखाई देगी जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगी उसी के साथ साथ हम लोग बात करेंगे दो घंटे और दस मिनट में कम्प्लीट होने वाली ये जबरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टॉक के बारे में किस मूवी के स्टॉक में कौन कौन से एक्टर्स शामिल हैं तो यहाँ पर इस मूवी के स्टॉकास्ट में कृष्णा कपूर राजनीश दुग्गल जिम्मी शेरगिल दिव्य दुप्ता आर्या बब्बर सामिर खोचर एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टार कास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक जबरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की तो के साथ साथ हम आपको बताएंगे इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे आई की जानव से इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली तो आई की जनब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 4.1 आउट ऑफ 10 जो कि बहुत ही जबरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को आई की जानव से उसी के साथ साथ हम लोग बात करेंगे इस मूवी को जस्ट डेल की जनब से क्या रेटिंग्स मिली तो जस्ट डेल के यूजर्स की जनब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 4.2 पॉइंट टू आउट ऑफ टेन यहाँ पर भी इसकी रेटिंग जो थी वो नॉर्मल ही रही इसी तरह हम लोग बात कर लेते हैं द टाइम ऑफ इंडिया प्लेटफॉर्म की जानव से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली तो द टाइम ऑफ इंडिया प्लेटफॉर्म की जनब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर टू आउट ऑफ फाइव यहाँ पर भी इसकी रेटिंग जो थी वो नॉर्मल ही रही उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जनब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल के यूजर्स की जरूरत से इस मूवी को 66% परसेंट तक लाइक किया गया जस्ट यहाँ पर इसकी रेटिंग जो थी वो कुछ हद हाँ तक ठीक थी, थी लेकिन बाकी सभी प्लेटफॉर्म के ऊपर इस मूवी की रेटिंग जो थी वो बहुत ही कम थी इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कितनी कम रेटिंग ली इस मूवी ने तो इसके पीछे डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड डायरेक्ट्रेस कौन कौन से हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है तो यहाँ पर इस मूवी के डायरेक्टर विक्रम भट्टी हैं जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के राइटर के बारे में कि इस मूवी के राइटर कौन से थे तो यहाँ पर इस मूवी के राइटर आपको दिखाई देंगे अमीन हाजी जिन्होंने इस मूवी की आर्ट वाल स्टोरी लाइन को राइट किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला तो यहाँ पर रिलायंस इंटरटेनमेंट आपको इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी में दिखाई देगी एंड उसी के साथ ए एस ए प्रोडक्शन एंड इंटरप्राइजेस को इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी में दिखाई देगी उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के नरेटर के बारे में कि इस मूवी के नरेटर कौन थे, थे तो यहाँ पर कृष्मा कपूर जी आपको इस मूवी के नरेटर दिखाई देंगी जिन्होंने इस मूवी के नरेटर को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में किस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने रेंज किया तो यहाँ पर प्रवीण भट्ट जी आपको इस मूवी के सिनेमाटोग्राफर दिखाई देंगे एंड उसके साथ साथ यहाँ पर इस मूवी के अंदर सम कुछ यहाँ पर थ्री डी इफेक्ट्स योग किए गए जिन्हें यहाँ पर माइकल फ्लैक्स ने अरेंज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात करेंगे म्यूजिक डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कौन से थे तो यहाँ पर हिमेश रेशमिया जी आपको इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के म्यूजिक को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं अगेन प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में किस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है तो यहाँ पर डर मोशन पिक्चर्स एंड ए एस ए प्रोडक्शन एंड एंटरप्राइस आपको इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देगी अभी हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में किस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है तो यहाँ पर रिलायंस इंटरटेनमेंट आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगी जिसमें इस आपको इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी के रिलीज डेट में क्या डेट थी जहां पर इस मूवी को रिलीज किया गया तो इलेवन मई टू इस मूवी की रिलीज डेट थी मतलब ग्यारह मई दो को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में यह मूवी चल रही थी आप लोग वहां पर इस मूवी को एंजॉय कर पा रहे थे उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि इस मूवी के अंदर कौन कौन सी कंट्री शो की गई है कौन कौन सी लैंग्वेजेस को यूज किया गया तो ये जस्ट इंडियन कंट्री की मूवी थी एंड लैंग्वेजेस में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को ही यूज किया गया उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज नहीं किया गया के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस के बारे में किस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया तो बजट जो इस मूवी के लिए लिया गया यहाँ पर टू हंड्रेड एंड सिक्स इंडियन रुपीज का मतलब दो सौ मिलियन इंडियन रुपीज इस मूवी का बजट था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो इस मूवी ने गेन किया वो था यहाँ पर एटी सिक्स पॉइंट एट्टी एट मिलियन इंडियन रुपीज जी दो दोस्तों दो सौ साठ मिलियन इंडियन रुपीज लगाकर जस्ट छियासी मिलियन इंडियन रुपीज कमाने वाली ये एक फिल्म थी जो कि बहुत ही बुरे तरीके के साथ फ्लॉप हुई एंड ये मूवी के बारे में कम्प्लीट डिटेल्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी और आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंची रहे तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ हेलो दोस्तों अगर आप भी साल 2012 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी डेंजरस इश्क को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है चंदेक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई मींस मूवी का जेनर क्या था मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड इस मूवी के शाकाश में कौन कौन से एक्टर शामिल थे उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही मींस अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोगों ने इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसलाइक किया उसके पीछे डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर एंड राइटर कौन कौन से थे, थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की आपको कम्प्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया मतलब कितने पैसे लगाए गए हैं कितने पैसे कमाए गए जिससे आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा एंड आपको क्लियर हो जाएगा कि मूवी फेमस हुई यहाँ पे फ्लॉप हुई मतलब आपको देखनी चाहिए या नहीं तो उसी के साथ साथ एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको कहां पर यह मूवी अवेलेबल मिलेगी जहां पर आप इजीली अभी इस मूवी को एंजॉय कर पाओगे तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि तो उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंची रहे तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जर्नर के बारे में कि इस मूवी का जनर क्या है मींस इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा तो इस मूवी का जनर है जी हॉरर एंड मिस्ट्री मींस इस मूवी के अंदर आपको हॉरर एंड मिस्ट्री दिखाई देगी जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंटरटेन करेगी उसी के साथ साथ हम लोग बात करेंगे इस मूवी की टाइम के बारे में की तो की है। मतलब दो घंटे और दस मिनट में कम्प्लीट होने वाली ये जबरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टॉकास्ट के बारे में किस मूवी के स्टॉक में कौन कौन से एक्टर्स शामिल हैं तो यहाँ पर इस मूवी के स्टाकास्ट में कृष्णा कपूर राजनीश दुग्गल जिम्मी शेरगिल दिव्य दुता आर्या बब्बर सामिर खोचर एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टार कास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक जबरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की तो के साथ साथ हम आपको बताएंगे इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही मींस लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे आई की जानव से इस मूवी को क्या, क्या क्या रेटिंग्स मिली तो आई की जानव से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर फोर आउट ऑफ टेन जो कि बहुत ही जबरदस्त रेटिंग थी इस मूवी को आई की जानव से उसी के साथ साथ हम लोग बात करेंगे इस मूवी को जस्ट डेल की जनब से क्या रेटिंग मिली तो जस्ट डेल के यूजर्स की जनब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर फोर पॉइंट टू आउट ऑफ टेन यहाँ पर भी इसकी रेटिंग जो थी वो नॉर्मल ही रही इसी तरह हम लोग बात कर लेते हैं द टाइम ऑफ इंडिया प्लेटफॉर्म की जनब से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली तो द टाइम ऑफ इंडिया प्लेटफॉर्म की जनब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर टू पॉइंट फाइव आउट ऑफ फाइव यहाँ पर भी इसकी रेटिंग जो थी वो नॉर्मल ही रही इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जरूरत से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल के यूजर्स की जरूरत से मूवी को सिक्सटी सिक्स परसेंट तक लाइक किया गया जस्ट यहाँ पर इसकी रेटिंग जो थी वो कुछ हद तक ठीक थी लेकिन बाकी सभी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की रेटिंग जो थी वो बहुत ही कम थी इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कितनी कम रेटिंग ली इस मूवी ने तो इसके पीछे डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर्स कौन कौन से हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है तो यहाँ पर इस मूवी के डायरेक्टर विक्रम भट्ट जी हैं जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के राइटर के बारे में कि इस मूवी के राइटर कौन से थे तो यहाँ पर इस मूवी के राइटर आपको दिखाई देंगे अमीन हाजी जिन्होंने इस मूवी के आर्ट स्टोरी को राइट किया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला तो यहाँ पर रिलायंस इंटरटेनमेंट आपको इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी में दिखाई देगी एंड उसी के साथ साथ ए एस ए प्रोडक्शन एंड एंटरप्राइजेस आपको इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी में दिखाई देगी Osionfish. उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के नरेटर के बारे में कि इस मूवी के नरेटर कौन थे तो यहाँ पर क्रिश्मा कपूर जी आपको इस मूवी के नरेटर दिखाई देंगी जिन्होंने इस मूवी के नरेटर को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में किस मूवी की सीनेमाटोग्राफी को किसने अरेंज किया तो यहाँ पर प्रवीण भट्ट जी आपको इस मूवी के सिनेमाटोग्राफर दिखाई देंगे उसी के साथ साथ यहाँ पर इस मूवी के अंदर सम कुछ यहाँ पर थ्री डी इफेक्ट्स योगी अगे जिन्हें यहाँ पर माइकल फ्लैक्स जी ने अरेंज किया उसी के साथ साथ हम लोग बात करेंगे म्यूजिक डायरेक्टर के बारे में किस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कौन से थे तो यहाँ पर हिमेश रेशमिया जी आपको इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के म्यूजिक को संभाला उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं अगेन प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में किस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है तो यहाँ पर डर मोशन पिक्चर्स एंड एएसए प्रोडक्शंस एंड एंटरप्राइजेस आपको इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देगी अभी हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनीज शामिल हैं तो यहाँ पर रिलायंस इंटरटेनमेंट आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगी जिसमें आपको इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी के रिलीज डेट में क्या डेट थी जहाँ पर इस मूवी को रिलीज किया गया तो इलेवन मई टू इस मूवी की रिलीज डेट थी मतलब ग्यारह मई दो को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में ये मूवी चल रही थी आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एन्जॉय कर पा रहे थे उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री एंड लैंग्वेजेज के बारे में कि इस मूवी के अंदर कौन कौन सी कंट्री शो की गई है कौन कौन सी लैंग्वेज को यूज किया गया तो ये जस्ट इंडियन कंट्री की मूवी थी एंड लैंग्वेजे में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को ही यूज किया गया उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज नहीं किया गया उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस के बारे में कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया तो बजट जो इस मूवी के लिए लिया गया वो था यहाँ पर टू हंड्रेड एंड सिक्सटी मिलियन इंडियन रुपीज का मतलब दो सौ साठ मिलियन इंडियन रुपीज इस मूवी का बजट था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो इस मूवी ने गेन किया वो था यहाँ पर 86.88 मिलियन इंडियन रुपीस जी हाँ दोस्तों दो सौ मिलियन इंडियन रुपीस लगाकर जस्ट छियासी मिलियन इंडियन रुपीस कमाने वाली ये एक फिल्म थी जो कि बहुत ही बुरे तरीके के साथ फ्लॉप हुई एंड ये मूवी के बारे में कम्प्लीट डिटेल्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी और आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी ये बात जानने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंची रहे तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़